आप सबको आर्यन शर्मा का सप्रेम प्रणाम करबद्ध प्रणाम। आज के इस संध्याकालीन वानप्रस्थ के साथ संवाद में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। मुझे इस कार्यक्रम का मेजबानी करने का जो मुझे सुअवसर दिया गया है, मैं यहाँ के सब अधिकारियों को, सब लोगों को, उसके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आज हमारे बीच में जिनका विस्तृत परिचय हमारे वर्मा सर देंगे, हमारी दीदी रश्मि दीदी है, और जिस विषय पर बोला जाएगा वह भी आपके सामने बताया जा चुका है। तो कार्यक्रम का प्रारंभ हमेशा से प्रार्थना से हुआ है, तो मैं निवेदन करूंगा प्रार्थना के लिए बहन अपर्णा के, बहन अपर्णा के प्लीज। ॐ सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद बहन अपर्णा। अब मैं दीप चंद वर्मा सर से निवेदन करूंगा, कृपया स्वागत एवं परिचय अपनी हमारी रश्मि दीदी का करें। दीप चंद वर्मा सर प्लीज। धन्यवाद शर्मा सर। आप सभी लोगों को नमस्कार। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारी जानी मानी रश्मि बड़वे मैडम, जिनको हम प्यार से रश्मि दीदी भी बोलते हैं, वो हमारे बीच हैं। उनका संक्षिप्त परिचय मुझे देने के लिए कहा गया है। हम सभी लोग उनको जानते हैं अच्छी तरह से। रश्मि दीदी योगा थेरेपिस्ट हैं और विजिटिंग फैकल्टीज हैं, रेकी मास्टर हैं और साउंड हीलर हैं। उनका 21 वर्षों का बहुत ही गहन अध्ययन है उस फील्ड में, अनुभव है जो आज हमें सुनने को मिलेगा। रश्मि दीदी ने अपना बीए इन सोशियोलॉजिकल किया है, डिप्लोमा इन डाइटिक्स एंड न्यूट्रिशन में किया है, बाद में डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरोपैथी में कर रखा है, और वो मास्टर ऑफ साइंस हैं योगा योगिक साइंस में। तो बहुत ही अनुभवी व्यक्तित्व हमारे बीच आज है। उनका जो एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने कि आपको बताया कि 21 वर्षों का उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत ही योगा योगा की जो क्लासेस हैं वो कंडक्ट की हैं। अपना इंडिया में, भारत में और विदेशों में भी इन्होंने योगा की क्लासेस कंडक्ट की हैं। बहुत से कैंप इन्होंने इंडिया और अबू धाबी के अंदर लगाए हैं। उन्होंने शी हैज आल्सो कंडक्टेड मैनी कैंप्स फॉर स्पेसिफिक डिजीजेस, जो स्पेसिफिक बीमारियां होती हैं उनके लिए, जैसे कि डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, डायबिटिक्स, बैक पेन, माइग्रेन्स, इनके भी इन्होंने बहुत सारे कैंप्स लिए हैं बहुत जगहों में, कई जगहों में, स्पेशली वुमेन्स के लिए, आईटी फील्ड्स के लिए। ये विजिटिंग फैकल्टी रही हैं अपना केजी सोमैया कॉलेज में, भारतीय सांस्कृतिक पीठम के अंदर, जो कि जिसमें बी ए और एम ए के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनको इन्होंने उनका ये विजिटिंग फैकल्टी रही है उनकी ये। और ये शी इज ऑल्सो विजिटिंग फैकल्टी इन दी आदि योग कॉलेज नासिक, नासिक का जो आदि योग कॉलेज है उनमें भी ये विजिटिंग फैकल्टी हैं। उसके बाद ये केवले धाम के अंदर भी विजिटिंग फैकल्टी हैं। कॉर्पोरेट सेक्शन में उन्होंने बहुत सारे अपना कैंप कंडक्ट किए हैं। इन्होंने बहुत से आर्टिकल लिखे हैं अपना मराठी मैगजीन के लिए, मराठी लोकल न्यूज़पेपर्स के लिए, और इनके आर्टिकल
हठ और तंत्र योग में काफी उसमें छप चुके हैं। न्यू रेस के अंदर, न्यू रेस एक जर्नल है इंटीग्रेटेड एंड फ्यूचर स्टडीज का हैदराबाद के अंदर, उनमें इनके आर्टिकल छप चुके हैं। एंड शी इज द इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस, रश्मि दीदी सभी की इंस्पिरेशनल है एंड शी इज द मोटिवेशन ऑफ ऑल ऑफ अस, सभी की मोटिवेशनल है। बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है इनका। मैं सरलता, सज्जनता और विज्ञता की प्रतिभूति माननीय है श्रीमती रश्मि बडवे दीदी का स्वागत करता हूं इधर। और इनके इन्होंने भी रिसेंटली प्राइज भी लिए हैं, अबू धाबी इंडियन सोशल सेंटर ऑफ अबू धाबी ने इनको बहुत सम्मानित किया है एज ए योगा टीचर। और रिसेंटली इन्होंने एक अपना इंटरनेशनल योगा डे में प्राइज भी विन किया है। तो रश्मि दीदी आपका स्वागत है, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, आपका स्वागत है आज के, आज आप हमें हठ योग का सांस्कृतिक विनियोग पर व्याख्यान देंगी, उससे हमें लाभान्वित करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद वर्मा सर, धन्यवाद फॉर वेरी गुड स्वागत एवं परिचय का, बहुत ही सुंदर जो है ना आपने परिचय दिया। बहुआयामी गुणों की खान, व्यवहारिकता, व्यवहारिकता सबके साथ व्यवहारिकता, जिस तरह से सौंदर्य और व्यवहारिकता का संगम। आज के व्याख्यान संसाधन व्याख्यान का जो विषय है वह है हठ योग का सांस्कृतिक विनियोग, कल्चरल अप्रोप्रिएशन ऑफ हठ योग। रश्मि दीदी का इस पर हम लोग वक्तव्य सुनेंगे, व्याख्यान सुनेंगे। बहुत ही सुंदर और उपयोगी ये विषय है हम सबों के लिए। ओवर टू रश्मि मैडम, रश्मि दीदी, नाउ डाइस इज योर्स, मंच आपका। थैंक यू वर्मा जी, धन्यवाद वर्मा जी। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन दिखाई दे रही है, स्लाइड्स दिखाई, ठीक है? यस सर। सबको मेरा नमस्ते। आज का जो मेरा विषय है जिसको अंग्रेजी में कल्चरल अप्रोप्रिएशन ऑफ हठ योग, और हिंदी में अगर उसको हम ट्रांसलेट कर देंगे तो उसका टाइटल हो जाता है हठ योग का सांस्कृतिक विनियोग। तो पहले शुरू करने से पहले इसका एक्चुअली अर्थ क्या है और हमारे दैनंदिन जीवन में इसकी आवश्यकता क्या है, अगर वैसे देखा जाए तो सबको पता है कि हठ योग यानी क्या, इसको फिर से अलग से बताने की जरूरत नहीं है, हम सब एक्सपीरियंस्ड है। और आजकल इंटरनेट और यूट्यूब के माध्यम से हम सबको पता चलता है कि क्या है एक्चुअली हठ योग। लेकिन जब हम हठ योग ऐसा शब्द सुनते हैं तो पहले दिमाग में आ जाता है कोई ऋषि है, कोई मुनि है, योगी है जो वन में जाके तपश्चर्या करता है, या बहुत सारे ऐसे एक्रोबैटिक्स जैसे आसन करते हैं जो हमें सामान्य जो मनुष्य है जो इस संसार में रह रहा है उसके लिए वो संभव ही नहीं है। या दूसरी बात, मतलब जो जो है कि मतलब ये ऐसी चीज है जिसको हम ब्लैक मैजिक या ऐसे कुछ कहते, ऐसा कुछ हठ योग है क्या, ऐसी शंका हमारे मन में आती है। लेकिन अगर हम सही मायने में अगर हठ योग जो ग्रंथ परंपरा है उसकी अगर उसका अभ्यास करने लगेंगे, उसका अगर हम जो अभ्यास है उसका वो करने के बाद हमें पता चलता है कि हठ योग बहुत ही अलग है और जो हमारे मन में जो भी उसकी गलत धारणा है उससे बहुत परे है। तो मैंने सोचा कि हठ योग तो सबको पता है, अगर हम किताबें लेंगे तो किताबों में भी हमें मिलेगा, तो उसका सांस्कृतिक विनियोग मतलब उसकी उपयुक्तता क्या है हमारे जीवन में, डे टू डे लाइफ में उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और उसका कल्चरिंग जो सांस्कृतिक उसका मतलब है कल्चरिंग, उसको हम कैसे अपना सकते हैं और वेरी मतलब सिंपल रूप में उसको हमें हमारे जीवन में अपनाना है। तो इसलिए मैंने इस विषय को चुना। तो जैसे मैंने बताया कि हठ योग जैसे कल्चरल और उसका यूटिलाइजेशन यानी उपयुक्तता हमारे जीवन में हम कैसे करेंगे, तो पहले समझना चाहिए कि है, पहले उसको समझने की बहुत जरूरत है। और फिर हम अगर देखेंगे तो हम योगा इज अ वे ऑफ लाइफ, योगा डज नॉट मीन आसन एंड प्राणायाम। हम अगर जो योगा में है, जो योग फील्ड में या योग क्षेत्र में काम कर रहे तो दिन में 10 या 20 बार ये तो हम वाक्य तो सुनते ही है कि योगा इज नॉट जस्ट आसन और प्राणायाम, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। लेकिन मगर क्या, अगर हम समझाने जाएंगे नहीं, योगा मतलब इट्स अ वे ऑफ लाइफ, आपको उसको जीवन पद्धति के रूप में स्वीकार करना है, लेकिन कैसे उसका एप्लीकेशन कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि अंडरस्टैंडिंग एंड एक्नोलेजमेंट,
कि जो हम कहते हैं कि हठ योग है, पहले उसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर समझने की कोशिश करने के बाद हम उसे अपना लेंगे या उसका हमें हमारे जीवन में जो हर एक क्षण हम जो जीवन जीते हैं उसमें स्वीकार करने का प्रयास करेंगे। जरूरी नहीं कि हर क्षण हम योग स्थिति में रहेंगे या उसका अनुभव करेंगे, लेकिन हमारा प्रयास है वो उसकी तरफ हमेशा रहना चाहिए। और अगर हमारे में वो अंडरस्टैंडिंग या वो एक्नॉलेजमेंट या मतलब समझना और फिर उसको समझना उस जीव ऐसे एज ए जीवन पद्धति एज ए लाइफ स्टाइल अगर वो एक बार हमारे मन में आ जाता है तो फिर वो हमारे जीवन पद्धति में जाता है। अदरवाइज वो जो एक हमारे लिए एक स्टेटमेंट रहेगा कि योग एक लाइफ स्टाइल है, वो एक जीवन पद्धति है, तो इसलिए उसको समझ के करना और पूरी सजगता से और समझ के करना ये बहुत जरूरी है। तो हठ योग ये क्यों, मतलब मैंने पहले जैसे बहुत सारे योग है जैसे मंत्र योग है, हठ योग है, लय योग है और फिर राजयोग, ये तो हमें पता है, लेकिन हठ योग ही क्यों, क्यों उसको उसका ऐसा क्या उसमें अलगपन है कि जो हम अपना सकते हैं। तो वैसे देखा जाए तो हठ योग की जो या उत्पत्ति है वो तंत्र से हुई है, जो भी हमारा तंत्र मार्ग जो पुराने जमाने से चला आ रहा है, ऐसे कोई उसकी डेट बता नहीं सकते। जैसे बोलते कि जैसे मानवीय जीवन शुरू हुआ वैसे ही योग भी जीवन में आना शुरू हो गया। तो पहले जो अगर हम हठ योग को देखें तो उसकी जो उत्पत्ति है या उगम स्थान है वो है तंत्र में, और तंत्र में जो कौल पद्धति जो है, जैसे बहुत सारी पद्धति भी है कौल तंत्र साधना में, तो जो कौल पद्धति है उस कौलाचार से या कौल पद्धति से हठ योग का निर्माण हुआ है। और योगी आदिनाथ सब आदि गुरु है योग हठ योग के, उनको मूल पुरुष माना जाता है, और उनके जो शिष्य थे योगी मत्स्येन्द्र नाथ जिन्होंने कौल ज्ञान निर्णय ये बहुत जो उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है उसके ऊपर, और वहां से वो पूरी हठ योग परंपरा शुरू हो गई। तो उस कौल ज्ञान निर्णय या कौल पद्धति से फिर हठ योग का प्रारंभ होना शुरू हो गया। योगी मत्स्येन्द्रनाथ के जो शिष्य थे योगी गोरखनाथ उन्होंने फिर ही पॉपुलर आए, तो उनको ज्यादा उन्होंने लोकप्रियता समाज में उसकी बढ़ाई। तो और योगी मत्स्येन्द्रनाथ योगी गोरखनाथ उनका अगर हम काल देखेंगे तो वो 11वीं सदी से शुरू होता है। एक मिनट का समय तो वैसे देखा जाए तो पतंजलि योग सूत्र जो है उसमें उसके लिए हमारे पास एक ही किताब है, लेकिन अगर हम हठ योग ग्रंथ परंपरा देखेंगे तो उसमें बहुत सारी हमें किताबें मिलेंगी और बहुत सारे किताबों में इंटरप्रिटेशन भी अलग अलग रहता है, लेकिन सबका जो जो रचना है जो चैप्टर्स हम कहते हैं या उपदेश कहते हैं जिसको हठ योग में वो सब एक ही है। तो वो कौन से है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हठ योग जो ग्रंथ परंपरा है उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो उसमें योग बीज, हठ योग प्रदीपिका, गैरण्य संहिता, हठ रत्नावली जैसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, मैंने सिर्फ यहाँ चार लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण हुआ है, और जिसमें जो 11वीं सदी से शुरू होके 19th सेंचुरी अर्ली 19th सेंचुरी जब ज्योत्स्ना हठ योग प्रदीपिका जो स्वामी ब्रह्मानंदा ने लिखी वो अर्ली 19th सेंचुरी में कह सकते हैं, तब तक हठ योग के ग्रंथ निर्माण हो ही रहे थे। और ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स है कि जहाँ हठ योग पद्धति का अभी भी वो पूरी तरह से लोगों के सामने नहीं आई है। तो ये जो बहुत सारे ग्रंथ है उसमें हमें बहुत सारी उपलब्धि है कि कैसे हठ योग प्रचलित में आया या कैसे हमें हमारे जीवन में उसको अपनाना चाहिए। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे कि हठ योग जो है साधक को जरूरी क्या है, सबसे जरूरी क्या है कि शरीर प्राण मन और चेतना इन सब के बीच में एक कनेक्शन है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ना कि सिर्फ आसन एक मुख्य अंग है और बाकी उसके लिए हठ योग में कोई भी चीज मेजर नहीं है। तो ऐसा नहीं है, अगर हठ योग अगर हम करना शुरू कर देते तो हमें शरीर प्राण मन और चेतना जिसको हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं कॉन्शियसनेस उसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो इन सब में कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, तभी वो हठयोगी जो है वो साधक के रूप में कहा जा सकता है उसको। और फिर अगर देखेंगे और कि मन से उसका ताल्लुक है कि नहीं, जैसे हम कहते हैं कि आधुनिक मानस शास्त्र या जो मॉडर्न साइकोलॉजी है
उसको अगर हम देखेंगे तो वो मन को जो डील करती है, मन के साथ उनका जो व्यवहार रहता है वो सामान्य तरह से कैसे रहता है कि अगर किसी को कुछ विकार आ गया, मनोविकार हम कहते हैं, वो उसके अगर मन में आ जाता है तो वो डायरेक्टली जो साइकोलॉजिस्ट है या साइकियाट्रिस्ट है वो डायरेक्टली आपको आपके मन को शांत करने की कोशिश करते हैं या ट्रैंक्विलाइजर्स हो या ऐसे कुछ देते हैं। हठ योग यहाँ कहता है कि आप डायरेक्टली मन की तरफ जाओ ही मत। अगर आपको आपके मन को शांत करना है उसको पहले उसको शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है और उसमें हार्मोनाइजेशन लाना भी उतना ही जरूरी है। तो ये कहाँ करना है, लेकिन ये आपको शारीरिक स्तर पे करना है और मानसिक स्तर पे करना है। इन दो चीजों पे अगर आप शुद्धिकरण आपका हो जाता है यानी प्यूरिफिकेशन हो जाता है, उसमें अगर हार्मनी आ जाती है तो आपका जो मन है वो अपने आप शांत हो जाएगा। तो उसके लिए आपको मन की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। पहले आप ये जो चीजें हैं जो शारीरिक स्तर पर हम कहते हैं या हमारा जो प्राणिक स्तर है, उसके बाद हमें सबको हमें अभी कोश मालूम है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो इन सब का शुद्धिकरण करके फिर हमें हमारे धीरे धीरे मन की तरफ भी बढ़ना चाहिए, तब मन अपने आप शांत हो जाएगा। और उसके बाद जब आता है कि जैसे रचना जो हम कहते हैं कि हठ योग की जो है वो किस प्रकार से की गई है, तो जो ग्रंथ में जो महत्वपूर्ण जो अंग है हठ योग, तो उसमें आ जाते हैं षटक्रिया आ जाती है, फिर उसके बाद आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा, बंध, समाधि या कह सकते हैं उसको फिर हम नादानुसंधान, ऐसे जो रचना है उपदेशों की वो हठ योग जो ग्रंथ है उसमें की गई है। उसमें कुछ पैर बदलाव हो सकते हैं या कोई जो चैप्टर से वो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन षटक्रिया अगर हम माने तो वो हठयोग का हठयोग ग्रंथ की या हठयोग जो पद्धति है, साधना पद्धति, उसका यूएसपी है, वो उसका अलगपन है, उसका उसकी आइडेंटिटी भी है। तो षटक्रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम षटक्रिया के बारे में कैसे करना है तो पहले उसको समझना बहुत जरूरी है कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए है, ना कि हम हमें सिर्फ एक ही मतलब कुछ एक ही पद्धति को अपनाना है और बाकी सबको निग्लेक्ट करना है, ऐसा नहीं है। हमें षटक्रियाज भी करनी है, हमें आसन भी करने हैं, प्राणायाम भी करना है, मुद्रा बंधा, तो ये सब लेकिन अपनी अपनी जितनी क्षमता है उसके अनुसार हमें ये करना है और अपनी क्षमता के अनुसार इन सबको हमें धीरे धीरे बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि आप भी आपने कुछ देख लिया और हमने करना शुरू कर दिया, ये जरूरी नहीं है। पहले अपनी क्षमता हमें देखनी है, हमें खुद को पहचानना है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता, इन दोनों को ध्यान में रखने के बाद हमें ये तय करना है कि हमें शुरू कहाँ से करना है। और इन सब के लिए हमें पता है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन होना भी हमारे में बहुत जरूरी है। अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो हम ये कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर एक महीना वगैरह हम प्रैक्टिस करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे और बाद में छोड़ देंगे। तो इसलिए मैंने जो पहले बताया कि समझना और उस समझ के साथ उसको स्वीकार करना, ये बहुत जरूरी है। जैसे कि कोई मानो कर लिया, कोई लोग कर रहे हैं षटक्रिया इसलिए मैं भी करता हूँ, या कोई किसी ने ज्वाइन कर लिया तो मैं भी कर रहा हूँ, इसका कोई उसको कुछ मायने नहीं रखता जब तक आपका एक्सपीरियंस उसके बारे में कुछ नहीं है। आपका अनुभव और अनुभूति, ये दोनों चीजें बहुत मायने रखती है। वो जब तक नहीं होता है तब तक हम इसके पास में या इसके साथ में हमारा जोड़ना, कनेक्टेडनेस जो है वो जोड़ना बहुत ही मुश्किल है। फिर हम आते हैं आसन की तरफ। अगर हम पहला उसका जो चैप्टर है या जिसको हठयोग में उपदेश कहते हैं तो वो आसन है। तो आसन में अगर हम देखेंगे तो हमें सबको पता है अभी आसन क्या है। सो मोर देन एक्चुअली कभी कभी योगा शिक्षक के से ज्यादा अभी आजकल स्टूडेंट्स को पता होता है, पार्टिसिपेंट्स को पता होता है कि क्या क्या आसन है। आजकल उसमें बहुत सारे वेरिएशंस भी आने लगे हैं, लेकिन ये करने से पहले आसन मतलब उसके दो अर्थ है। आसन मतलब हम जैसे अभी बैठे हैं उसको भी आसन कहते हैं, और आसन मतलब योगासन, लेकिन हम उसके साथ योग ये शब्द जोड़ते हैं क्योंकि उसको स्पेसिफिक उसका कुछ पर्पस है उसके पीछे एक उद्देश्य छुपा हुआ है। तो जब हम आसन करते हैं, आजकल आप देखेंगे योगा क्लास में तो पहले जब आते हैं लोग तो पहले सवाल ये पूछते हैं, अच्छा आप सिखाते हैं तो लेकिन आप एक घंटे में कितने आसन सिखाते हैं और हम कब तक कर पाएंगे, ये उनका दूसरा सवाल रहता है।
तो मैंने कहा ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना कर पाएंगे, लेकिन आजकल जल्दी बहुत लोगों को जल्दी होती है, जैसे सामने वाला ये जो या जो आइडियल पोज है वो उनको आना चाहिए, लेकिन अगर हमें 24 साल हो गए 25 साल हो गए शरीर को आदत ही नहीं है करने की, और अभी आगे हमें कुछ तो ऐसे शॉर्टकट्स दो कि हम कर पाएंगे, तो वो बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये एक तरह से योग शिक्षक की भी जिम्मेदारी है कि उनके जो डाउट्स है क्लियर करना, और जो विद्यार्थी जो पार्टिसिपेंट्स है वो जो क्लास में आते हैं तो उनको भी समझ लेना चाहिए कि ये कोई इंस्टेंट चीज है नहीं, कि हमें भी बहुत समझदारी से और बहुत सजगता से इसको अभ्यास इसका अभ्यास करना पड़ेगा। और आसन अगर हमें सब पता है क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन सबसे बड़ा जो दुर्लक्षित उसका भाग है जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाता भी नहीं है, जाता भी है लेकिन फिर नाम के जो नाम है उनके उसकी तरफ सिर्फ सीमित रहता है, वो है उसका संस्कृत में ओरिजिनल नाम समझना। ये मैं बहुत बार मैंने ये क्लासेस में महसूस किया है कि एक तो संस्कृत नाम कोई बताते भी नहीं है आजकल, एक तो अंग्रेजी नाम बताने का एक ट्रेंड आ गया है उसमें, तो जो संस्कृत नाम का लेकिन जो अर्थ है उसके पीछे, तो अगर आप संस्कृत में पहले उसको समझा देंगे और बाद में अगर हम अंग्रेजी में दोनों ही विद्यार्थी और शिक्षक ये दोनों समझ लगेंगे तो उसका जो भाव है आसन करने का वो पूरा बदल जाएगा। जैसे मैंने जैसे अगर योग शिक्षक कहता है कि आप अभी आप डांसिंग पोज कर लो, डांसिंग पोज करते हैं डांसिंग पोस्चर करते हैं, तो डांसिंग पोस्चर कहने से बहुत सारे जो वैरायटीज ऑफ डांस है वो हमारे सामने आ जाती है, तो पता नहीं चलता है कि हमें एग्जैक्टली कौन सा आसन ये करना है। लेकिन अगर हम उसके बजाय नटराजासन उनको पहले बताएंगे और फिर उसका डांसिंग पोज ये मतलब ये सुपरफिशियल उसका ट्रांसलेट कर देंगे तो उसका जो अर्थ है और उसके पीछे जो भाव है वो बदल जाएगा। नटराजासन कहने से उसके सामने वो प्रतिकृति आ जाएगी नटराज की, और हमें हम सबको घर में पता रहता है कि नटराज आने क्या है, जो उत्पत्ति स्थिति लय है उसका जो प्रतीकात्मक रूप है या वो जिस पोजिशन में खड़े है वो सब जो भाव है वो अपने आप अंदर आ जाते हैं। जरूरत नहीं है कि हम पहले ही दिन वो पोज जो है वो हम एकदम परफेक्ट कर लेंगे, धीरे धीरे हम करेंगे, पहले हमारा खुद का बैलेंस भी जाएगा। मैं ये जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे बहुत सारे आसन भी हमने देखे हैं, लेकिन जब हम नटराजासन कहते हैं तो वो जो एक्सपेंशन है उसका उसके पीछे का वो हमारे सामने आ जाता है। सो मेंटली समवेयर वी आर कनेक्टेड टू इट, तो मानसिक रूप से हम उस आसन से जुड़ जाते हैं। सेम वही बात हम वृक्षासन या ट्री पोज की वृक्षासन की भी कर सकते हैं। जैसे उसका ट्री पोज ये अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो गया उसका, लेकिन ट्री कहने से भी हमारे फिर बाद में हमें लिमिटेशंस आ जाते हैं कि हम उसको क्या कहेंगे, लेकिन अगर हम वृक्ष या वृक्षासन कहेंगे तो जरूर है कि हमारे सामने एक हरा भरा बड़ा पेड़ जिसकी जड़ें मजबूत है और वो पूरा पूरी तरह से फैला हुआ है, फला है फूला है, उसका पूरी तरह से विकास हुआ है, ऐसा पेड़ हमारे सामने आ जाएगा। कभी भी अगर हम किसी को पूछेंगे वृक्षासन करते हैं तो और आप उसे पूछेंगे कि वृक्ष कहने से आपके सामने क्या आ जाता है, वो कभी नहीं कहेगा कि एक पतझड़ वाला जो पेड़ है वो मेरे आंखों के सामने आ जाता है जिसमें कुछ पत्ते नहीं है, ऐसा कोई नहीं कहेगा, क्योंकि हमारे मन की जो है ना वो जो चेतना है या एनर्जी वो हमेशा अच्छी चीजों से या अच्छी वाइब्रेशन से हमेशा जुड़ी रहती है। तो ये नाम उनके कंसेप्ट समझना और समझ के उस आसन को करना और उसकी जो फाइनल पोजीशन है या जो हम कहते हैं अंतिम स्थिति है उसमें स्थिर रहना बहुत जरूरी है। तो एक ये आयाम हो गया आसन का, जो नाम जो सबसे जरूरी है, और फिर जो आसन है वो भी हमें मानसिक स्तर पर जो है वो कल्चर या कुछ तो वैल्यूज हमें हमेशा देते हैं, जिसका हम कल्चरिंग जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया इसका हम संवर्धन हमेशा कर सकते हैं। जैसे हमने हलासन कहा तो हलासन सबको मालूम है प्लो पोजीशन, उसका अगर अर्थ हो गया तो हलासन मतलब क्या, किसान क्या करता है हल लेके, जैसे वो जो जमीन है उसकी उपज करता है, पूरे जो खेती करने से पहले या बीज बोने से पहले वो खेत में हल चलाता है ताकि जो मिट्टी है उसमें कुछ तो बदलाव अगर कुछ हो या कुछ उसमें जो अनवांटेड चीजें है वो जो नहीं चाहिए जब अगर वो कुछ अच्छी खेती करना चाहता है तो वो सब उसको दूर करे और बाद में वो बीज बोए उसमें और बाद में जो धान उसमें से आता है तो वो जो है वो तो उससे आनंद होता है उसको। सेम वे हम हलासन जब करते या हलासन में जाने की कोशिश करते हैं वही भाव हमारे मन में होना चाहिए कि जब मैं हलासन में मेरे पैर जा रहे हैं पीछे
जब अगर जमीन पे टिकते हैं तो ठीक है, लेकिन जहां तक जा सकते हैं मैं मेरे पैर लेके जा रहा हूँ, और जो भी मेरे मन में और शरीर में जो भी उस वक्त जो भी कुछ हो रहा है उसको मैं अनुभव करने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे तब तब मेरे मन में अगर कुछ सकारात्मक बातें आती है तो ठीक है, अगर कुछ नकारात्मक आ रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि उस सबको मैं धीरे धीरे मेरे मन से निकाल दूं, और बाद में जो भी मेरा शारीरिक विकास है या मानसिक विकास है वो अच्छी तरह से हो जाए। तो ये संवर्धन होना, आसनों के द्वारा अपने शरीर का और अपने मन का संवर्धन होना, इमोशंस कल्चरिंग जो हम शब्द हमेशा सुनते वो होना भी बहुत जरूरी है। और आसन हमेशा हमें कोई ना कोई वैल्यूज भी देती है, जिसकी तरफ अनफॉर्चुनेटली किसी का ध्यान बहुत कम लोगों का गया। मैं ऐसा नहीं कहती किसी का नहीं गया, लेकिन इस एस्पेक्ट की तरफ बहुत सा हमारा कभी भी ध्यान नहीं गया कि वो नाम को समझ के हम आसन करें, फिर उसके ऊपर जो जो भी आसन है उसके स्थिति में रह के उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें। अगर हम ये शुरू करेंगे तो जरूर है कि हमारे में जरूर कुछ ना कुछ तो बदलाव दिखने लगेगा। जैसे अभी हम कर रहे हैं, जैसे हमें फीडबैक भी जो मिल रहे उससे भी पता चल रहा है कि बहुत सारे जो बदलाव है वो हमें जो पार्टिसिपेंट्स है अपने वो शेयर कर रहे हैं, जिससे हमें भी बहुत आनंद मिलता है कि चलो जो हो रहा है तो उससे उनको भी कुछ फायदा हो रहा है। तो ये सब समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद आसन में जो महत्वपूर्ण अंग है या आजकल बहुत बड़ा पॉपुलर जो सब्जेक्ट है वो है मिताहार, जो डाइट हम कहते हैं, और यम नियम हठ योग प्रदीपिका में भी आए हैं। तो यम जो है वो मिताहार है, नियम अहिंसा है। तो मिताहार, अभी अहिंसा के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी हमने अहिंसा को सुना था, उसके पहले पतंजलि योग सूत्र में भी हमने अहिंसा के बारे में सुना था। तो मिताहार तो सबको मालूम है, जब हम योग में जाते हैं या योग अभ्यास करना शुरू कर देते हैं तो हमारा जो आहार है वो जो आहार है वो हमेशा मॉडरेट रहना चाहिए, मॉडरेट डाइट। जो आप खा रहे, आप चाहे वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें हमेशा मॉडरेशन रहना चाहिए। ज्यादा भी खाना नहीं है और कम भी खाना नहीं है। जब आप योग में है और हठ योग में तो बताते हैं कि आपको फास्टिंग भी नहीं करना है, उपवास भी उसमें ग्राह्य नहीं है। तो आपका जो आहार है वो हमेशा मॉडरेट फूड होना चाहिए, ताजा जो बना हुआ घर में पका हुआ जो खाना है वो आपको खाना है, ताकि जो एनर्जी है आपने शरीर की और मन की वो हमेशा एक इक्विलिब्रियम में रहना बहुत जरूरी है। तो ये मिताहार जो है वो सबसे अच्छा या श्रेष्ठ माना गया है हठ योग के अनुसार, क्योंकि बाद में अगर आप धीरे धीरे जैसे आगे जाएंगे प्राणायाम की तरफ जाएंगे, बंध मुद्राज ये सब करेंगे, तो उसके लिए आपका जो इंटरनल जो सिस्टम है उसको प्यूरिफिकेशन भी होना उतना जरूरी है और उसको बैलेंस रहना, और उसके जो काम है या फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस है उसके वो होने भी वो स्मूथली होना और हार्मोनियसली होना वो भी बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आसन में हमें ये सब चीजें देखने को मिलती है। फिर हम आते हैं आसन जब करते हैं, जैसे हमने बहुत बार अभी सुना है कि स्थिर सुख आसन के ऊपर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने, जैसे पतंजलि योग सूत्र में आता है कि आसन स्थिर सुख आसन है, ये पहले उसका आसन का एक कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है, जिसे हम पैरामीटर के तौर पे भी हम हमारे योगा अभ्यास में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो जो शरीर है, शरीर को स्थिर रखना जब हम आसन करते हैं, तो जब हम आसन में बैठ जाते हैं ऑटोमेटिकली हमारा जो अपना शरीर है वो स्थिर हो जाता है, क्योंकि अब अभ्यास से वो हमें धीरे धीरे उसको प्राप्त करना है। और मन है वो सुख यानी रिलैक्स भी हो जाता है। अगर आपका मन अगर किसी आसन में रिलैक्स नहीं है, उसमें अगर आपको बहुत सारे डिस्टॉर्शंस आ रहे, कुछ ना कुछ आप में अप डाउन उसमें हो रहे, ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो आसन नहीं है, क्योंकि मन का शांत रहना भी उतना ही आवश्यक है जब हम आसन करते हैं। और भावना या जिसको हम मेडिटेशन के रूप में भी ले सकते हैं, जगह अगर आप स्थिर सुख हो गया तो ऑटोमेटिकली जो हमारी भावना है वो भी शांत रूप में, और उसके बाद जो वो आसन है वो सही रूप से योगासन हो सकता है। जैसे अगर हम किसी को पूछेंगे तो वो कहते हैं कि मेरा सबसे जो मुझे जो आसन अच्छा लगता है वो शवासन है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि शवासन एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है, बहुत वो करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको एक अवस्था में आप जब सोते हैं या जब आपकी पीठ पूरी तरह से लेटी हुई है
नॉट ओनली योर बॉडी, आपका सिर्फ शरीर ही नहीं, आपको मन, अपने मन को भी शांत रखना उस वक्त बहुत जरूरी है। मन के साथ साथ आपकी पूरा, आपका जो पूरा ध्यान है आपकी सांस की तरफ भी जाता है। आप किस प्रकार से सांस लेते हैं, किस प्रकार से सांस छोड़ते हैं, ये चीजें भी उसमें उतनी ही मायने रखती है। आपके मन में जो है कोई विचार आने नहीं चाहिए, मतलब अगर आपका शरीर आप देख रहे हैं, आउटर जो आपका जो पोस्चर है वो स्थिर है, आप फील नहीं रहे, लेकिन मन के अंदर बहुत सारी उथल पुथल हो रही है, तो वो हम शवासन में नहीं है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब हम आते हैं शुद्धि क्रिया या षट क्रिया की तरफ, ये हो गया आसन, आसनों के बारे में हम जानते हैं। आसन क्या करते हैं कि जो भी हमारी इंटर सिस्टम है उसको पहले स्टिमुलेशन का काम करते हैं, क्योंकि आसन अगर हम डायरेक्ट अगर हम शुद्धि क्रिया की तरफ जाएंगे तो शायद हम वो कर नहीं पाएंगे, उसमें बहुत सारी अड़चने भी आ सकती है अगर हम नेति और ऐसे कुछ है, लेकिन अगर धोती बस्ती ऐसे हम करने जाएंगे हमें उससे कुछ पता नहीं चलेगा कि हम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए हमारे शरीर में एक लचीलापन होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी अगर हम आज फिर देखेंगे तो शुद्धि क्रिया के बारे में भी आप एड में पर आपको मिलेंगे कि वेट लॉस, अगर आप शुद्धि क्रिया करेंगे तो वेट लॉस आपका हो जाएगा। तो वेट लॉस इज जस्ट एक उसका एप्लीकेशन कह सकते हैं या उसका ऑटोमेटिक आने वाला एक असर है, लेकिन सबसे बहुत जरूरी है शुद्धि क्रिया का जो असर है या जो उसका फायदा है वो हमारे स्पिरिचुअल जो ये है या आध्यात्मिक स्तर बढ़ाने के लिए भी शुद्धि क्रिया बहुत काम करती है। तब हमारे जो अंदर जो सिस्टम्स है, एंडोक्राइन सिस्टम है या बहुत सारे जो सिस्टम है उनका हार्मोनाइजेशन करने के लिए शुद्धि क्रिया का महत्व बहुत बड़ा है। और सिर्फ वेट लॉस या सिर्फ ऐसा कुछ करना इतने तक ये शुद्धि क्रिया का जो पर्पज है वो सीमित नहीं रहता। नेति जो है, जैसे नेति हम आपने बहुत बार देखा है, और लास्ट टाइम लास्ट ईयर पिछले साल नेति जो जो जिसके ऊपर डॉक्टर धनंजय केड़कर जो दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल जो कोविड हॉस्पिटल था उसके जो डीन है उनका वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि वहाँ के जो डॉक्टर थे वो सब कोविड पेशेंट्स के लिए काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जो भी जो डॉक्टर थे आई थिंक अराउंड 600 साथ उन्होंने कुछ ऐसे कहा था, तो वो नेति का रोज अभ्यास करते थे, नेति प्रैक्टिस करते थे ताकि उनको खुद को वो कोविड के जो सिम्टम्स है वो उनमें ना आए। तो ये बहुत बड़ा एग्जांपल है और बाद में ये बहुत बड़ा पॉपुलर उनका जो वीडियो बहुत वायरल भी हो गया था। तो हम देखेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी नेति का उपयोग है, साइनस या ये भी सब चीजें उसमें से जाती है, लेकिन साइकिक सेंटर जो हम कहते हैं या थर्ड आई चक्रा बिटवीन द आईब्रोज उसको भी एक्सपांड करने के लिए, उसको भी डेवलप करने के लिए नेति का उपयोग होता है। बाद में बहुत सारे जो ऐसी क्रिया है जैसे धोती बस्ती है, नौती है और कपालभाति। अभी हम कपालभाति का अभ्यास हमारा जो योग प्रोटोकॉल है उसमें कर रहे हैं, बाकी तीन तो बहुत सारे बहुत एडवांस है तो उस पर जैसे हमारा अभ्यास होगा तो वैसे बढ़ता जाएगा। लेकिन जो हम कपालभाति भी करते हैं, कपालभाति का भी वही उपयोग है कि आपके शरीर में जो इंटरनल प्यूरिफिकेशन या आंतरिक शुद्धिकरण जो है वो होना बहुत जरूरी है। तो वो होने के बाद अगर हम प्राणायाम वगैरह करते हैं तो उसका असर हमारे जो है वो ज्यादा होगा। और फिर त्राटक जो बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, अगर हम कभी समय मिला तो आप देखेंगे या यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारी ये मिलेंगे कि त्राटक जो है वो फिर से हमें मन को शांत करने के लिए उसका बहुत उपयोग है। कि सिर्फ आंखों का नंबर कम करना या चश्मा अगर मुझे लगा है और मुझे नहीं चाहिए तो इसलिए मैं सिर्फ त्राटक का अभ्यास कर रहा हूँ, तो वो उसका मेन पर्पस नहीं है। त्राटक जो है जो प्यूरिफिकेशन भी है और मन को शांत करना वो सबसे बड़ा और सबसे इफेक्टिव अगर कौन सा अगर अभ्यास आप करेंगे तो वो त्राटक का है। जैसे पतंजलि योग सूत्र में भी जो बहुत सारे सूत्र है चित्त प्रसादन या मतलब हम मन को शांत कैसे कर सकते हैं, तो उसमें विशोका व ज्योतिषमती ऐसा एक सूत्र आता है कि आप ज्योति पे ध्यान दें, तो अगर ज्योति पे अगर हम ध्यान देंगे तो धीरे धीरे हमारा जो मन का जो मन में जो विचार आ रहे हैं या मन में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ भी बाधाएं आ रहे हैं वो धीरे धीरे खत्म होंगी। सिर्फ पतंजलि योग सूत्र में ना उसका टेक्निक दिया है ना कोई बाह्य जो उपकरण है उसका उपयोग करना कुछ दिया है, बट हम त्राटक अगर हम करें हठ योग के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हमें त्राटक कैसे करना है उसके बहुत सारी गतिविधियां हमें हठ योग में मिलती है। और एक बात मुझे पहले एक
ये करने थे कि अगर हम अभी हट योग देख रहे हैं, शुद्धि क्रिया का हमने देख लिया, फिर आसन क्या है, ये दो अंग तो हमने हट योग के देख लिए, तो ऐसा सवाल आएगा कि हट योग का जो अगर हायर पर्पस है या जो हायर वैल्यू है तो वो क्या है या डेफिनेशन क्या है हट योग का। तो अगर हम उसकी तरफ जाएंगे तो वो है प्राण अपान का संयोग या ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी उनका संयोग, ये हट योगा के सामान्यतर डेफिनेशन माने जाते हैं। लेकिन अभी ईड़ा नाड़ी यानी क्या और पिंगला नाड़ी है ये आपने मुझे भी पूछ लिया तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन सिर्फ मुझे ये शब्द मालूम है कि जब ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली तो हट योग हम कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने वो डेफिनेशन नहीं बताया क्योंकि हमने हमें उसका एप्लीकेशन जो है हट योग का वो हमारे डे टू डे जिंदगी में या जो हमारे डे टू डे लाइफ है रोज के जीवन में हमें उसको कैसे अप्लाई करना है, इसलिए मैंने उसको उसके ऊपर ज्यादा यहाँ जो नहीं दिया बताने के लिए। फिर आता है प्राणायाम, जैसे अभी हम प्राणायाम जैसे हमें प्रोटोकॉल में करना मैंडेटरी बताया गया है कि हमें करना ही है रोज, ये प्राणायाम जो है कपालभाति हो, सेक्शनल ब्रीदिंग हो, नाड़ी शुद्धि हो, ये हमें करना ही है। क्यों? क्योंकि जैसे कहते हैं हठ योग का जो एक हठ योग में एक चले वाते चले चित्तम, जैसे हमारा प्राण चलता है उस तरह से हमारा चित्त भी चलता है। तो अगर पहले हम प्राण को जो है या पहले प्राण को हम डिसिप्लिन में लाएंगे तो हमारा जो चित्त है वो भी अपने आपको पहले आपको चित्त की तरफ देखना है। तो पहले आप अपना प्राण जो है उसको संयमित कीजिए, उसको संचालित कीजिए। हठ योग का ये भी एक बहुत बड़ा अंग है प्राण के बारे में कि संचालन करना और फिर उसका संचारण करना। पहले उसका संचालन करो और फिर बाद में उसका संचारण जो है वो अपने आप अच्छे से होगा। और ये जब संचारण जो है अगर ये अच्छी तरह हो गया, एक बार अपने शरीर में बहना शुरू हो गया, तो जो भी हमारे अंदर जो ब्लॉकेजेस है, अभी हमें अंदर क्या है हमें भी पता नहीं है, लेकिन जब हम ये सब करते हैं तो अपने आप जो भी हमारे अंदर में जो डिस्टर्बेंसेस है, जो भी बाधा है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जरूरी नहीं कि हमें सब कुछ पता होना ही चाहिए, इतनी हमारी साधना हम नहीं कह सकते कि हमारे अंदर क्या है वो हमें पता चल रहा है, लेकिन जो भी अगर कुछ डिस्टर्बेंसेस है या जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है हमारे अंदर वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और इसीलिए प्राण को जो है वो हमारे उपनिषद है या बाकी के जो ग्रंथ है उसमें ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहा गया है। ज्येष्ठ मतलब ओल्डेस्ट और श्रेष्ठ मतलब सीनियर, या ऐसे हम कह सकते हैं कि अगर वो नहीं है तो हम कुछ भी हमारा जो चलन वलन है वो ठीक से नहीं हो सकता। इसलिए नाड़ी शुद्धि प्राणायाम जो बताया गया है कि आप जो करेंगे तो हमारे जो सेल्स जो कहते हैं कि हमारे जो पेशियां है वो हर एक पेशी की तरफ वो जो प्राण है वो पहुंचता है। और ये ऐसा प्राणायाम, इसलिए इसको बैलेंसिंग प्राणायाम कहते हैं कि इसको हमें मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर जहां आपको लगता है एक्सेस प्राणा बह रहा है नाड़ी शुद्धि से, वो एक्सेसिवनेस से वो भी कम होता है। अगर जहां लगता है कि नहीं यहाँ प्राण कम पड़ रहा है जहां हमें चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस का जो काम है वो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करता है। तो उसके लिए उसमें टेक्निक में कुछ फर्क नहीं है, उसके गतिविधि में कुछ फर्क नहीं है। आप करते जाएंगे, आपके शरीर की जो आवश्यकता है, अंदरूनी जो आवश्यकता है उसके अनुसार नाड़ी जो प्राणायाम है वो उस तरह से वो जहाँ भी जो कमी है उसको भरने का काम है वो प्राणायाम करता है। तो और दूसरा जो है कि शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर जो है, तो शारीरिक स्तर पर भावना जो स्मृति है और एक्चुअली मैंने वो गलत हो गया मेरे ख्याल से, और जो है कि भावना स्मृति इनको मानसिक स्तर पर हमें लेना चाहिए कि प्राण उसकी तरफ भी जाता है और इनका सबका चलन वलन करने का जो काम है वो प्राण ही करता है। तो मानसिक स्तर पर जो भावना और स्मृति है, जैसे भावना मतलब इमोशंस और स्मृति मतलब मेमोरी, तो हमेशा हमारे दिमाग में वो सब चलता रहता है और इनकी वजह से हम हमेशा एक तो पास्ट जो है हमारा उसमें चले जाते या हम प्रेजेंट में चले जाते हैं। तो प्राणायाम क्या करता है, प्राणायाम हमेशा हमें प्रेजेंट में रखता है। हम जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो वो प्रेजेंट में रखने का काम है। जो शुरू जो क्षण हमारे जीवन से जा रहा है या क्षण हम जो जी रहे उसको पूरी तरह से जीने का जो प्रोत्साहन है, जो मोटिवेशन है, वो हमें प्राणायाम से मिलता है। और उसका और एक शारीरिक स्तर पर हम अगर हम देखेंगे तो
हमारे हमारे पूरा जो जीवन जीने का जो तरीका है, जो उसका डायमेंशन है, वो बदलने का भी काम प्राणायाम करता है और हमारे जीवन में गतिशीलता भी लाता है और रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ाता है। जो मोबिलिटी और इम्यूनिटी जो अभी हम जो कर रहे हैं, जो हमारा फोकस पॉइंट है, वो गतिविधि देने के लिए या उसको डिसिप्लिन में लाने के लिए प्राणायाम सबसे बड़ा काम करता है। और उसके बाद मुद्रास और बंधास जो है कि जो कॉन्सेंट्रेशन या एकाग्र चित्त जो है वो एकाग्र करने के लिए मदद करते हैं और जो चेतना का विकास और विस्तार भी करते हैं। धीरे धीरे हमारे चेतना का विकास होते जाता है। कॉन्शियसनेस हम सब में है, ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, सिर्फ ऐसा रहता है कि उसका हमें एक्नॉलेज नहीं रहता है या हम उसको कभी बढ़ाने के सोचते भी नहीं है या हमें या वो बहुत सारा सुप्तावस्था जैसे हम कहते हैं उसमें रहता है। जैसे हम ये चीजें करते जाएंगे वो जो नेचुरली जो हमें डेवलप होना शुरू होता है और ये नेचुरली उसका हमें डेवलपमेंट होना नैसर्गिक रूप से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो नैसर्गिक रूप से हमें डेवलप नहीं होता है तो हमारे जो विकास है जीवन का वो एक तरह से रुक जाएगा और बाद में हम कहते कि अगर आसन करो या प्राणायाम करो कुछ भी करो वो एक सैचुरेशन पॉइंट जैसे आ जाता है या जिंदगी में लगता है वही है, कुछ नहीं, कुछ नया नहीं हो रहा है जिंदगी में, कुछ एक्साइटेड जैसे आजकल वे शब्द है कि कुछ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है, आपके अगर आपको नयापन चाहिए जैसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं या फिर एक्सप्रेशन, उसका एक्सप्रेशन होना, उसकी अनुभूति भी होना और साथ साथ उसको व्यक्त भी करना, ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि हम जगह जैसे कहते हैं कि मनुष्य ये समाज प्राणी है तो उसको समाज में रहना अच्छा लगता है, उसको समाज के साथ कुछ ना कुछ शेयर करना अच्छा लगता है। और अगर हम क्रिएटिव वे से और कंस्ट्रक्टिव वे से अगर हम ये शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली पूरा जो समाज है या सोसाइटी है वो भी एक तरह से एक सुस्थिति में आ जाएगी। और जैसे हम कहते हैं कि घर है या वो हर एक ब्रिक अगर स्ट्रांग हो और पाया जो बेस है घर का अगर वो स्ट्रांग हो तभी घर अच्छा या मजबूत बन सकता है, वैसे ही अगर हर व्यक्ति उसको अपनाएंगे तो धीरे धीरे अपनी मजबूती से पूरा जो हम सोसाइटी है वो सोसाइटी भी एक मेंटल और इमोशनल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो अगर ये करना है तो इन चीजों का हमारे जीवन में दैनंदिन उसका एप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद ये सब हो जाने के बाद अगर हम उसका और एक जो अंग है जो हठ योग का जिसे हम नादानुसंधान कहते हैं, समाधि तो बहुत हमारी पता नहीं समाधि कहने से हम कितना समझ पाएंगे, तो नादानुसंधान जो शब्द है हमारे लिए सबसे नजदीक है। तो जैसे हम कहते हैं कि न्यास, ये जो तंत्र से शब्द आया हुआ है इसमें, तो न्यास यानी क्या कि हमारे शरीर में प्रत्येक शरीर के जो अंग है उसमें हर एक जो वर्णाक्षर है या जैसे हम अक्षर कहते हैं अ आ ई, ये कोई ना कोई जो अक्षर है वो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग से जुड़ा हुआ है। और अगर हम उसका ऐसे उच्चारण करते जाएंगे तो अगर कुछ हमें यहाँ वहां कुछ अगर हमें तकलीफ हो रही है तो वो भी तकलीफ हम अगर उसका उच्चारण करेंगे तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जैसे ठ शब्द है मेरे ख्याल से राइट शोल्डर पे अगर आप हाथ रखेंगे, अगर आपको राइट शोल्डर में कुछ तकलीफ है तो अगर आप हाथ राइट शोल्डर पे रख के अगर आप ठ सिर्फ इसका उच्चार करेंगे तो धीरे धीरे जो भी वेदना आपको वहां हो रही है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। क्योंकि हर एक अक्षर का जैसे न्यास में बताया, तंत्र में बताया कि हर एक अक्षर का वर्ण है, उसका अपना शेप है। जैसे अभी हमें पता है ट ठ ड जो जिनको देवनागरी लिपि पता है तो हर एक अक्षर का उसका अपना स्वरूप है, उसका डायग्राम, उसकी सिमेट्री है और साथ ही साथ में उसका हर एक अक्षर का एक कलर है। वो सब एक्चुअली सूक्ष्म स्तर की बातें हैं लेकिन हम अगर अपने इस पे लेना चाहेंगे या एप्लीकेशन करना चाहेंगे तो हर एक अक्षर का कोई ना कोई हमारे शरीर में और मन में उसका प्रभाव रहता ही है। तो इसलिए जब हम अक्षर भी या हम इसलिए हम कहते कि बोलते समय थोड़ा सजग रह के बोलो क्या बोल रहे हो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी तरह से अगर हम अपने योगाभ्यास से जो हम अभी 60 दिन हो जाएंगे हमारे पूरे उसमें कर रहे हैं तो बीच बीच में हमें आकार का उच्चार करने के लिए भी कहा गया है, उकार का भी, मकार का भी, ओंकार का भी। इट इज नॉट जस्ट टू फिल अप द गैप, गैप फिल करने के लिए उसका महत्व ये नहीं है, उसका पर्पज वो नहीं है। आप जब कुछ टेक्निक्स करते हो, कुछ अभ्यास करते हो उसके बाद अगर आप इनका उच्चारण करेंगे अकार उकार मकार सेपरेटली
नेचुरली उसके जो इंटेंसिटी है वो जो हम जब इसका अभ्यास करते हैं आसन का, तो वो इंटेंसिटी को बूस्टअप करने का काम जो है ये सब अकार उकार मकार या ऐसे बहुत सारे जो अक्षर है, जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, तो इन सबको बूस्टअप करने का जो काम है वो ये सब अक्षर करते हैं, जिसे तंत्र में न्यास भी कहा गया है। और उससे ही एक्चुअली योग निद्रा या शवासन हम जो कहते हैं वो इससे ही उत्पन्न हुआ है कि योग निद्रा भी वही काम करता है। अगर आप में से लोगों ने किसी ने अभ्यास किया है कि पूरे शरीर से जो चेतना है या प्रवाह धारा प्रवाह और एक शब्द है कि वो जो है वो बहने लगता है उसमें से, और जब वो बिना साया या मतलब बिना किसी कुछ डिस्टर्बेंस से बिना किसी इससे बहता है, किसी ब्लॉकेज के बिना शरीर में बहने लगता है, तो वो जो हमारी महसूस करने की ताकत है या उसका एक्सपीरियंस करने की ताकत है वो बहुत बढ़ जाती है। और शवासन भी हम जो करते हैं लास्ट में, तो उसका भी वही है, जैसे शवासन जो है वो ब्रिज है, जैसे आसन और मेडिटेशन के बीच का जो ब्रिज है वो है शवासन, क्योंकि उस समय हम आसन में भी हैं और हम धीरे धीरे मेडिटेशन की तरफ भी जा रहे हैं। शवासन वो काम बहुत अच्छे से करता है। और उसमें हम जब संकल्प लेते हैं कि पूरी तरह से हम सजग है, ऐसा नहीं कि हम सोए हुए हैं, जब हम अपने मन को कुछ उस टाइम सूचना उस समय सूचना करते हैं, या हम संकल्प सूचना भी नहीं कह सकते, हम संकल्प लेते हैं, क्योंकि वो संकल्प जो रहता है वो दृढ़ रहता है, उसमें कुछ कंफ्यूजन या कुछ मेंटल हमारा ब्लॉक्स नहीं रहता है, क्योंकि वो सीधा सीधा एक सिंपल वाक्य रहता है वो हमें बताना है उस समय। और वही संकल्प भी वही काम करता है कि हमें प्रेजेंट में या हमारे हमारा जो शुरू क्षण है उसमें रखने का जो काम है ये संकल्प करता है। और संकल्प का काम इतना बहुत बड़ा है कि बहुत सारे जो जैसे हम कहते हैं इलनेसेस है, जैसे डिसीजेस है, डायबिटीज है, इवन कैंसर, बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स में भी इसकी जानने को मिलता है कि वो जो सिवियरिटी है या जो उनका जो ये होते हैं केमोथेरेपी वगैरह होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो थोड़ी जो उनकी वेदना है या पेन है उसको कम करने का काम भी ये संकल्प बहुत इफेक्टिवली ये संकल्प काम करता है। तो इस तरह से एक्चुअली आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंधा, छठ क्रिया, ये सब इसके मुख्य अंग है। और हमारे सामान्य जीवन में कैसे लाना है, और बहुत सिंपल तरीके से, जरूरत नहीं है कि हमें कुछ बहुत ही कुछ अलग समय निकाल के उसको करना है, या मतलब कुछ ऐसे कुछ डिफिकल्ट हो जो हमें समझ में नहीं आ रहा है ऐसे कुछ करना है, ऐसा कुछ हठयोग में बताया नहीं गया है। जो सिंपल आपको समझ में आता है, आपको जितना डाइजेस्ट है, जैसे हम कहते हैं कि खाना उतना खाओ जितना तुम डाइजेस्ट कर पाते हो, उसी तरह से है योग मार्ग है कि जितना हमें समझ में आता है, जिस तरह से हम करना चाहते जिसे, और जो मेरी प्रकृति की प्रकृति मतलब जो मेरा नेचर है, जो मेरा स्वधर्म है, जिसको जो मुझे सूट होता है, मुझे अच्छा लगता है, जिससे मेरा शांत हो, मेरा मन शांत हो, वो मैं करने का प्रयास करूंगा। यही एक्चुअली हठयोग देखा जाए तो हठयोग का उद्देश्य ही वही है, क्योंकि अगर आप सारे ग्रंथ देखेंगे तो वो 11th सेंचुरी, जैसे मैंने पहले बताया 19th सेंचुरी, तो पता चलता है कि मानवी जो आयु जीवन था वो बदलने लगा था धीरे धीरे, और उसकी जो उस समय की जो आवश्यकता थी या नीड ऑफ द टाइम हम कह सकते, वो ध्यान में रखते हुए ही ये सब में फिर से एक फेर रचना हो गई, अगेन वो सब स्ट्रक्चर्ड हो गए, जो तंत्र ये है या पतंजलि योग सूत्र है, इतना तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे जो अभी जो कलयुग जो हम कह सकते या मॉडर्न ईरा जो है, जहाँ लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन थोड़े ही समय में हम इफेक्टिवली ये सब जो योग क्रिया है या जो भी आसन है वो हम इफेक्टिवली कैसे कर पाएंगे, ये सब बताने का जो ये है वो पूरा हमारे जो ये योगी है उन्होंने वो काम किया है। फिर हम जब आते हैं अपने प्रोटोकॉल की तरफ आते हैं या देखते हैं उसको कि हठ योग में थेरेप्यूटिक एस्पेक्ट्स और प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स भी बहुत सारे बताए गए हैं, क्योंकि जो भी हमारा अभी अगर हम प्रोटोकॉल की तरफ देखेंगे और बहुत सारे अगर रिजल्ट्स है, तो मुझे खास तौर पे कहा गया था कि ये आप ऐड करो इसमें कि जैसे हाई बीपी जिनको था एक क्लाइंट उनको उनका पार्टिसिपेंट उन्होंने एम्लोकाइन उनकी जो टैबलेट थी उनका पहले योग करने से पहले उनका जो डोज था वो था 5 mg
और अभी करने के बाद रिसेंटली एक महीने इसी महीने 2.5 mg उनका वो जो डोज है वो डॉक्टर ने कम कर दिया। जरूरी यह है कि डॉक्टर से ही वो प्रिस्क्रिप्शन आना चाहिए कि उनका डोज कम हुआ है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे जो है जैसे डायबिटीज मेलिटस, जैसे हमें पता है कि उसमें सिम्टम्स जो है कि पैर दुखते हैं या बहुत भूख लगती है, उसमें उस कुछ नहीं कर सकता वो व्यक्ति उस टाइम, लेकिन खाने की इतनी इच्छा होती है और फिर उसका जो परिणाम है वो हमारे डाइजेशन के ऊपर हो जाता है। तो अगर वो जो जो इम्बैलेंस हो रहा है या इंसुलिन सिक्रेशन भी है अगर वो ठीक तरह से नहीं हो रहा है तो हमें आसन अपनाने चाहिए, जैसे वक्रासन है डाइजेशन ठीक होने के लिए या कॉन्स्टिपेशन निकाल के लिए, पवन मुक्तासन करना चाहिए जैसे कि वो जो जो है पैंक्रियाज हो या फिर हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन हो वो स्टिम्युलेट हो जाए और वहां से जो उस व्यक्ति को जिसकी जरूरत है, जिस हार्मोन की जरूरत है वो वहां से सिक्रेट होना शुरू कर दे। ये सब ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो ये पूरा हठ योग है, वो थेरेप्यूटिक एस्पेक्ट भी आता है, प्रिवेंटिव भी आता है। अगर उसमें कुछ और भी उसको कुछ तकलीफ है, जैसे अगर हम पार्किंसंस का अगर हम एग्जांपल ले ले तो अभी वो डिटेक्ट हो गया और धीरे धीरे ऐसे हो धीरे धीरे बॉडी जो है वो डेटेरियोरेट होना शुरू हो जाती है। हम सिर्फ इसमें एक ही काम कर सकते हैं कि उस ग्रोथ को या जो डेटेरियोरेशन है उसको अरेस्ट कर सकते हैं जितना हो सकता है उतना, कि उसको सूक्ष्म व्यायाम देके या और कुछ देके हम देखेंगे कि उसका जो जो क्षय हो रहा है शरीर का वो ज्यादा ना हो, जितना योग करेंगे उससे वो उसके बॉडी को थोड़ा आराम मिले, प्राण को आराम मिले। और ऐसे बहुत सारे हमारे जो है बाकी के भी जो बहुत सारे जो हम इलनेस कह सकते हैं या डिसीज कह सकते हैं जिसको हम साइकोसोमेटिक भी कहते हैं, जो मानसिक स्तर उसका जो उगम है उसको भी हम कैसे ठीक कर पाएंगे, ये सब चीजें हम हठ योगा से भी बहुत कुछ ले सकते हैं। तो ये था मेरा, और इसलिए जो मैंने पहले जो शब्द इस्तेमाल किया था विनियोग की, उपयोग उसका होना चाहिए तभी वो योग कहलाएगा हमारे जीवन में, अदरवाइज वो एक सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज या फिर एक बुकिश हो जाएगा कि हाँ किताब में है तो ठीक है हमारे लिए उसका कुछ महत्व नहीं है, बट हाँ लेकिन उसका जो महत्व है ये योग का हमारे समाज में कैसे रहना है और हमारा खुद का जीवन कैसे हम सुखी करें, हार्मोनाइज करें ताकि हमारे साथ भी और भी जो लोग रह रहे उनको भी वो सुख और आनंद मिले, ये सब हमारे ऊपर है। जैसे हम कहते हैं कि वेदांत का मैसेज अल्टीमेटली क्या है कि कंसर्न फॉर अदर, समझो कहते हैं कि हमेशा दूसरों के बारे में भी सोचो, सेम वे हठ योग भी यही कहता है कि दूसरों के बारे में भी सोचो पहले, लेकिन उसके उसको सोचने के लिए पहले अपने बारे में भी सोचो, उसमें कुछ स्वार्थ नहीं है, पहले अपने आप को तुम ठीक करो, बाद में ये जो पहले अपनी सर्विसिंग करो, जैसे हम कार की या हमारा जो व्हीकल है उसकी पहले करते हैं, उसमें ऑयल वगैरह डालते ताकि वो अच्छे से चले और हमें अच्छे से उपयोग हो। सेम अप्लाइज टू आवर बॉडी ऑल्सो, पहले हमारा शरीर भी उस तरह से काम करना चाहिए, फिर मन भी काम करना चाहिए, तो हम भी स्वस्थ रहेंगे और बाकी लोगों को भी स्वस्थ रहने के लिए मदद करेंगे। तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ रुकती हूँ, 7:53 हो गए, तो अगर किसी को कुछ सवाल है तो आप पूछ लीजिए। बहुत 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 धन्यवाद रश्मि दीदी जी। हठ योग का सांस्कृतिक विनियोग, कल्चरल अप्रोप्रिएशन ऑफ हठ योग, जिस सरल भाषा में आपने हम सबों के समक्ष रखा, लगभग काफी लोग कुछ समझे हैं, लेकिन कुछ प्रश्न भी आए हैं, वह प्रश्न मैं चैट बॉक्स में भी था और मेरे मन में भी उपजा। ये पहला प्रश्न है कौल पद्धति, संक्षिप्त में बताएं कौल पद्धति क्या है। ये बहुत बड़ा एक्चुअली इसमें मैंने कहा जैसे मैंने न्यास के बारे में बताया, बहुत बड़ा विषय है एक्चुअली कौल पद्धति, जिसमें पूजा विधि भी आते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअली यहाँ अभी डिस्कस करना मुमकिन नहीं है। तो लेकिन जो है कि जैसे शिव शक्ति एस्पेक्ट भी आ जाता है उसमें, और उसके अनुसार शिव की आराधना करना या शक्ति की आराधना करना, और उसमें ऐसा नहीं कि सब कुछ उन्होंने रिवील किया है, कुछ जो साधना है वो गुरु परंपरा से आती है और कुछ उन्होंने गुप्त कर रखा है कि सिर्फ गुरु जिनको लगता है एलिजिबल शिष्य है उनको ही वो सब बताते हैं, अदरवाइज वो आता नहीं है हम तक। लेकिन वो उसमें बहुत सारे फिर चक्र का भी ध्यान, जैसे इसमें लिया नहीं मैंने, वो चक्र जो है हमारे आधार जिसको कहते हैं
सप्त चक्रों के ऊपर ध्यान करना, फिर जो नाड़ी जो सूक्ष्म जो सटल लेवल पे नाड़ी जो काम करके इड़ा पिंगला ऐसी जो 10 नाड़ियां है, गांधारी हस्तजीवा पुषा आलम्बुषा, तो उन सबका संचालन करना, ये सब का जो संकलन है वो सब कवल पद्धति में आ जाता है। ओके धन्यवाद। दूसरा प्रश्न है, क्योंकि हमारे यहाँ सब वरिष्ठ नागरिक है, योग जीवन जीने की पद्धति है, यह सब बार बार हम लोग कहते हैं, उसको स्वीकारने का सरल तरीका आप हमारे वरिष्ठ नागरिकों को कुछ बताएं, समय का अभाव है, उस समय को मद्देनजर रखते हुए। जी जैसे मैंने बताया कि पद्धति जब हम कहते हैं तो वही है कि समझकर हमें आसन प्राणायाम करना चाहिए, जरूरी नहीं कि एक जो आसन एक व्यक्ति कर रहा है वो दूसरे को भी लागू होगा, तो पहले हमें भी खुद को समझना होगा कि हम क्या कर पाएंगे खुद के लिए, तो उस अनुसार अगर हम उसको अपनाएंगे, और जरूरी नहीं कि योगा मैट पे ही हम सिर्फ योग करते और बाद में एक घंटा योग कर लिया और बाद में उसको छोड़ दे, और तो जो वो जो एक घंटा या एक 45 मिनट्स हम योगा मैट पे जो भी बिता रहे हैं तो उसका यूटिलाइजेशन हमारे या जो एक्सप्रेशन है उसका वो हमारे बाकी के जो दिन बाकी का जो दिन है उसके ऊपर कैसा पड़ता है उसके ऊपर हमारी योग साधना निर्भर करती है। अगर बाकी दिन अगर बाकी बाकी के जो घंटे अगर उस टाइम अपना इरिटेशन बढ़ता है या अपना और भी कुछ मतलब अगर एग्जैक्ट अपोजिट अगर हम बिहेव करते हैं तो दैट इज नॉट योगा वे ऑफ लाइफ। चाहे आप दो आसन कम करो एक प्राणायाम कम करो लेकिन वो आपके एक्सप्रेशन में वो दिखना चाहिए, आपके एटीट्यूड। एक्चुअली आजकल बहुत गलत तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं बट एटीट्यूड और बिलीफ्स इसमें भी दिखना जरूरी है। लाइफस्टाइल मतलब ये नहीं कि आप सुबह 4 बजे उठो और योगा करना शुरू करो, दैट इज नॉट लाइफस्टाइल। किसी कोई 8 बजे भी उठ सकता है क्योंकि आजकल तो हर एक के रूटीन पे डिपेंड करता है कि कौन कब सोता है कौन कब उठता है, तो सुबह जल्दी उठना हाँ अच्छी बात है उठना चाहिए लेकिन आपका फिर काम कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो जैसे मैंने कहा कि रिफाइनमेंट ऑफ इमोशंस जो है वो होना बहुत जरूरी है कि कहीं हम ज्यादा इसेंट्रिक तो नहीं हो रहे, या हम जब खुद को एक्सप्रेस करते हैं व्यक्त करते हैं तो हमें वो मॉडरेशन हमेशा ध्यान में रखना चाहिए एंड दैट इज अ वे ऑफ लाइफ। एक्चुअली तो वो धीरे धीरे आपके भी रिफ्लेक्ट होगा और योगा मैट के बाद में भी धीरे धीरे उसका रिफ्लेक्शन और एक्सप्रेशन आ जाएगा। अति उत्तम, बहुत ही अच्छा। एक और प्रश्न है, विशोका और ज्योतिषमती त्राटक क्रिया हम लोग सब करते हैं, ज्योतिषमती तो हम लोग समझे ज्योति पर ध्यान केंद्रित करना, विशोका उसको एक दो लाइन में अगर बता सके तो हम लोग समझ पाएंगे त्राटक क्रिया। हाँ नहीं, विशोका व ज्योतिषमती ये पतंजलि योग सूत्र में आता है, हठ योग में नहीं आता है। तो जो पतंजलि योग सूत्र के ऊपर व्यास मुनि ने जो भाष्य लिखा, व्यास भाष्य जो पतंजलि योग सूत्र के बहुत नजदीक है अराउंड 4th century, तो उसमें उन्होंने कहा कि विशोक मतलब क्या है जिसको सॉरी उसमें उन्होंने चित्त परिकर्म शब्द का इस्तेमाल किया। ओरिजिनल जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें चित्त परिकर्म जैसे शब्द आपको नहीं दिखाई सुनाई देंगे, लेकिन चित्त परिकर्म मतलब क्या है कि चित्त का शुद्धिकरण करना, हठयोग हो या राजयोग हो आपका चित्त का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। तो जो बहुत सारे जैसे पतंजलि योग सूत्र में आते कि व्याधि स्थान संशय आलस्य प्रमाद अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व, ये सब जो चित्त विक्षेप है डिस्टर्बेंस आते हैं योगाभ्यास में, तो अगर उसको आपको कम करना है तो आप बहुत सारे जो अलग और अलग टेक्निक्स है जो उन्होंने पतंजलि योग सूत्र में बताए गए हैं उसमें से एक सूत्र है विशोका व ज्योतिषमती या ईश्वर प्रणिधानात्मा, ऐसे बहुत सारे सूत्र आते हैं कि आप ईश्वर का ध्यान करो तो वो अलग सूत्र है। अभी विशोक जो है यानी कोई शोक के बिना, आपको कोई शोक नहीं होना चाहिए, विशोक ओके ओके बिना शोक के, विशोक का मतलब बिना शोक। तो बहुत ही बढ़िया, समय अपनी गति से बढ़ रहा है। श्रोतागण अगर कोई एक प्रश्न पूछना चाहे, क्योंकि फिर आगे बढ़ना है, एक कोई प्रश्न श्रोतागण अगर पूछना चाहे प्लीज, टाइम इज रनिंग अवे, समय अपनी तेज गति से बढ़ रही है। ओके शायद श्रोता लोग ये प्रश्न सुन के उत्तर सुन के संतुष्ट हो चुके हैं। अब आगे आगे प्रश्नोत्तरी काल खत्म हो चुका है। धन्यवाद प्रस्ताव के लिए
मालविका विश्वास महोदया को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। ओवर टू मालविका विश्वास महोदया प्लीज। मैं ऑडिबल हूँ, मैं ऑडिबल हूँ। यस 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 यस। ओके। मोबाइल को इफ यू कीप फ्रंट ऑफ फेस इट इज बेटर। पार्डन? यू कीप द मोबाइल इन फ्रंट ऑफ योर फेस देन इट इज नाइस। आई थिंक यू केप्ट इट लो। लाइक दिस? ओके। I am visible. I mean that much is fine. Okay. Guru Purnima ke shubh avasar par upasthit mahanubhav aur yog premikaon ko mera pranam. Mujhe is vishesh din par aabhar pradarshan karne ka avsar dene ke liye main Vivekanand kendra ke sare karyakartaon ko dhanyavaad dena chahti hu. Main is avsar ko अपना सम्मान समझती हूँ और प्रमुख वक्ता श्रीमती रश्मि वडवे जी और योग विद्या निकेतन के प्रतिनिधिगण जो हमारे योग विद्या निकेतन के शिक्षकगण है जो विवेकानंद केंद्र में प्रतिनिधि स्वरूप है उनको भी मैं आभार मतलब धन्यवाद देना चाहती हूँ। अभी मैं आती हूँ जो आज का जो शुरुआत जिन्होंने किया कि मंगलाचरण का पाठ करके अपर्णा जी ने वातावरण में एक सकारात्मक वाइब्स पैदा किए। दीप वर्मा जी हमारे प्रमुख वक्ता श्री रश्मि जी का परिचय बहुत ही सुंदर कुशलता रूप में दिए और सूत्रधार के रूप में हमारे शर्मा जी के राम निरंजन शर्मा जी बहुत ही अच्छी तरह से प्रश्नोत्तर का जो सिलसिला है उनको मैनेज किए उनके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। अभी आते हैं हमारे जो प्रमुख वक्ता जिन्होंने आज के सेशन का नाम है और एक बार देख लेती हूँ हठ योग का सांस्कृतिक विनियोग जो उन्होंने बहुत ही सुंदर से क्लियरली उन्होंने बताया और हमें ये भूलना नहीं चाहिए विनियोग का मतलब क्या होता है। विनियोग का मतलब होता है एप्लीकेशन जो उन्होंने बताए और हम लोग योग बहुत दिन से हम लोग योग करते हुए आ रहे हैं सारी योग प्रेमियों और सब कोई वी आर रियली वेरी मच एंथुसियास्टिक अबाउट योगा कल्चर बट उन्होंने जो आज बताया उनका एक नक्शा में मैं देना चाहती हूँ जो कि मैं इंग्लिश में बोलूंगी। योग इज अ साइंस ऑफ प्रैक्टिस, योग इज अ साइंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड योग इज अ साइंस ऑफ कॉन्सेप्ट। अगर हम योग को ठीक तरह से प्रैक्टिस नहीं कर पाए जिनको बोले विनियोग में ये सारी बातें आते हैं अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर योग के थियोरिटिकल नॉलेज इज नॉट एट ऑल एनफ। इट कैन मीन कहना चाहिए और फिर ही आस्ते आस्ते कॉन्शियस लेवल हम लोग के जितने कॉन्शियसनेस के जो लेवल्स है ना तो उस लेवल के ऊपर हम धीरे धीरे उठना शुरू करेंगे। जब हमारा वो जो मैम ने जो अभी बताए रश्मि जी ने बताया चित्त शुद्धि होना बहुत जरूरी है तो चित्त शुद्धि अगर हम न करें तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और इसीलिए हठ योग का बहुत ही बड़ा योगदान है हमारे चित्त शुद्ध करने के लिए। योगस चित्त वृत्ति निरोधः एंड अथ योगानुशासनम, योग इज अ डिसिप्लिन। तो ये सारी चीजें उन्होंने इतने सुंदर से बताए हैं बहुत ही अच्छा लगा सुनने में लेकिन हमें आशा है कि हम सब आप सब इनको अपने जीवन में दैनंदिन हम अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। यही बात कहते हुए हम सबको धन्यवाद देते हुए मैं धन्यवाद प्रस्तावना अंत करती हूँ। शुभ रात्रि। धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से दीदी ने बताया रश्मि दीदी ने 1 घंटे में पूरा मतलब हठयोग
सबके यानी सबको समझा के बताया कि व्हाट इज हठ योग, हाउ इट इज टू बी अप्लाइड. बहुत बहुत थैंक यू शर्मा जी. सुनाई दे रहा है शर्मा जी? ऑडियो इज ऑफ. ओके, धन्यवाद धन्यवाद महोदया मालवीय का विश्वास मैडम, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसको जो है ना धन्यवाद प्रस्ताव दिया. सच में विनियोग का मतलब है अपने अंदर उतारना. न वेश धारणम सिद्धे कारणम न चतत कथा क्रिया कारणम सिद्धे सत्य में तन्न संशय. जब तक हम करेंगे नहीं ये विनियोग होगा नहीं. हट प्रदीपिका में क्लियर लिखा हुआ है. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए समय घड़ी बता रहा हो चुका है. अब हम शांति मंत्र की तरफ पाठन पाठ के चल बढ़ेंगे. बहन अपर्णा के से सविनय निवेदन है, कृपया शांति मंत्र का उच्चारण करके कार्यक्रम को समापन की ओर ले चले. अपर्णा, बहन अपर्णा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया बहन अपर्णा, बहुत सुंदर. आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम को सुने समझे और उसको अपने जीवन पद्धति में उतारने का प्रयास करेंगे. विनियोग का सही मायने में वही अर्थ होगा और हमारी रश्मि दीदी का प्रयास कुछ हद तक सफल होगा. मैं इसी शब्द के साथ अपनी बात को ही विराम देता हूं और ओवर टू जो भी है मतलब विवेकानंद केंद्र के और लोग, या धीरे धीरे हम लोग शांति बनाए के साथ धीरे धीरे अपने यहाँ से निकल सकते हैं या किसी मतलब. ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद एंड शुभरात्रि. शुभरात्रि. वेरी गुड शर्मा जी, ऑल द बेस्ट. शुभरात्रि. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट. शुक्रिया. शुभरात्रि. गुड नाइट. गुड नाइट. दिखाई दे रही है स्लाइड्स? दिखाई. ठीक है. सबको मेरा नमस्ते. आज का जो मेरा विषय है जिसको अंग्रेजी का टाइटल है कल्चरल एप्रोप्रिएशन ऑफ हठ योग, और हिंदी में अगर उसको हम ट्रांसलेट कर देंगे तो उसका टाइटल हो जाता है हठ योग का सांस्कृतिक विनियोग. तो पहले शुरू करने से पहले इसका एक्चुअली अर्थ क्या है और हमारे दैनंदिन जीवन में इसकी आवश्यकता क्या है? अगर वैसे देखा जाए तो सबको पता है कि हठ योग यानी क्या, इसको फिर से अलग से बताने की जरूरत नहीं है. हम सब एक्सपीरियंस्ड है और आजकल इंटरनेट और यूट्यूब के माध्यम से हम सबको पता चलता है कि क्या है एक्चुअली हठ योग. लेकिन जब हम हठ योग ऐसा शब्द सुनते हैं तो पहले दिमाग में आ जाता है कोई ऋषि है, कोई मुनि है, योगी है जो वन में जाके तपश्चर्या करता है, या बहुत सारे ऐसे एक्रोबैटिक्स जैसे आसन करते हैं जो हमें सामान्य जो मनुष्य है जो इस संसार में रह रहा है उसके लिए वो संभव ही नहीं है. या दूसरी बात मतलब जो जो है कि मतलब ये ऐसी चीज है जिसको हम ब्लैक मैजिक या ऐसे कुछ कहते हैं, ऐसा कुछ हठ योग है क्या? ऐसी शंका हमारे मन में आती है. लेकिन अगर हम सही मायने में अगर हठ योग जो ग्रंथ परंपरा है उसकी अगर उसका अभ्यास करने लगेंगे, उसका अगर हम जो अभ्यास है उसका वो करने के बाद हमें पता चलता है कि हठ योग बहुत ही अलग है और जो हमारे मन में जो भी उसकी गलत धारणा है उससे बहुत परे है. तो मैंने सोचा कि हठ योग तो सबको पता है, अगर हम किताबें लेंगे तो किताबों में भी हमें मिलेगा, तो उसका सांस्कृतिक विनियोग मतलब उसकी उपयुक्तता क्या है हमारे जीवन में, डे टू डे लाइफ में उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और उसका कल्चरिंग जो सांस्कृतिक उसका मतलब है कल्चरिंग, उसको हम कैसे अपना सकते हैं और वेरी मतलब सिंपल रूप में उसको हमें हमारे जीवन में अपनाना है. तो इसलिए मैंने इस विषय को चुना. तो जैसे मैंने बताया कि हठ योग जैसे कल्चरल और उसका यूटिलाइजेशन यानी उपयुक्तता हमारे जीवन में हम कैसे करेंगे. तो पहले समझना चाहिए कि हठ योग क्या है, पहले उसको समझने की बहुत जरूरत है. और फिर हम अगर देखेंगे तो हम योगा इज अ वे ऑफ लाइफ, योगा डज नॉट मीन आसन एंड प्राणायाम,
में हम अगर जो योगा में है, जो योग फील्ड में या योग क्षेत्र में काम कर रहे, तो दिन में 10 या 20 बार ये तो हम वाक्य तो सुनते ही है कि योगा इज नॉट जस्ट आसना और प्राणायाम, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। लेकिन मगर क्या, अगर हम समझाने जाएंगे नहीं योगा मतलब इट्स अ वे ऑफ लाइफ, आपको उसको जीवन पद्धति के रूप में स्वीकार करना है, लेकिन कैसे उसका एप्लीकेशन कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि अंडरस्टैंडिंग एंड एक्नॉलेजमेंट, कि जो हम कहते हैं कि हट योग है, पहले उसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर समझने की कोशिश करने के बाद हम उसे अपना लेंगे या उसका हमें हमारे जीवन में जो हर एक क्षण हम जो जीवन जीते हैं उसमें स्वीकार करने का प्रयास करेंगे। जरूरी नहीं कि हर क्षण हम योग स्थिति में रहेंगे या उसका अनुभव करेंगे, लेकिन हमारा प्रयास है वो उसकी तरफ हमेशा रहना चाहिए। और अगर हमारे में वो अंडरस्टैंडिंग या वो और वो एक्नॉलेजमेंट या मतलब समझना और फिर उसको समझना उस एज अ जीवन पद्धति, एज ए लाइफ स्टाइल, अगर वो एक बार हमारे मन में आ जाता है तो फिर वो हमारे जीवन पद्धति में जाता है। अदरवाइज वो जो एक हमारे लिए एक स्टेटमेंट रहेगा कि योग एक लाइफ स्टाइल है, वो एक जीवन पद्धति है, तो इसलिए उसको समझ के करना और पूरी सजगता से और समझ के करना ये बहुत जरूरी है। तो हठ योग ही क्यों, मतलब मैंने पहले जैसे बहुत सारे योग है, जैसे मंत्र योग है, हठ योग है, लय योग है और फिर राजयोग, ये तो हमें पता है, लेकिन हठ योग ही क्यों, क्यों उसको उसका ऐसा क्या उसमें अलगपन है कि जो हम अपना सकते हैं। तो वैसे देखा जाए तो हठ योग की जो या उत्पत्ति है वो तंत्र से हुई है, जो भी हमारा तंत्र मार्ग जो पुराने जमाने से चला आ रहा है, ऐसे कोई उसकी डेट बता नहीं सकते। जैसे बोलते कि जैसे मानव जीवन शुरू हुआ वैसे ही योग भी जीवन में आना शुरू हो गया। तो पहले जो अगर हम हठ योग को देखें तो उसकी जो उत्पत्ति है या उगम स्थान है वो है तंत्र में, और तंत्र में जो कौल पद्धति जो है, जैसे बहुत सारी पद्धति भी है कौल तंत्र साधना में, तो जो कौल पद्धति है उस कौलाचार से या कौल पद्धति से हठ योग का निर्माण हुआ है। और योगी आदिनाथ सब आदि गुरु है योग हठ योग के, उनको मूल पुरुष माना जाता है, और उनके जो शिष्य थे योगी मत्स्येन्द्र नाथ जिन्होंने कौल ज्ञान निर्णय, ये बहुत जो उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है उसके ऊपर, और वहां से वो पूरी हठ योग परंपरा शुरू हो गई। तो उस कौल ज्ञान निर्णय या कौल पद्धति से फिर हठ योग का प्रारंभ होना शुरू हो गया। तो योगी मत्स्येन्द्रनाथ के जो शिष्य थे योगी गोरखनाथ, उन्होंने फिर ही पॉपुलराइज, उनको ज्यादा उन्होंने लोकप्रियता समाज में उसकी बढ़ाई। तो और योगी मत्स्येन्द्रनाथ योगी गोरखनाथ उनका अगर हम काल देखेंगे तो वो 11वीं सदी से शुरू होता है। एक मिनट तो वैसे देखा जाए तो पतंजलि योग सूत्र जो है उसमें उसके लिए हमारे पास एक ही किताब है, लेकिन अगर हम हठ योग ग्रंथ परंपरा देखेंगे तो उसमें बहुत सारी हमें किताबें मिलेंगी और बहुत सारे किताबों में इंटरप्रिटेशन भी अलग अलग रहता है, लेकिन सबका जो जो रचना है, जो चैप्टर्स हम कहते हैं या उपदेश कहते हैं जिसको हठ योग में, वो सब एक ही है। तो वो कौन सा है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हठ योग जो ग्रंथ परंपरा है उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो उसमें योग बीज, हठ योग प्रदीपिका, गैरण्य संहिता, हठ रत्नावली जैसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, मैंने सिर्फ यहाँ 4 लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण हुआ है, और जिसमें जो 11वीं सदी से शुरू होके 19th सेंचुरी अर्ली 19th सेंचुरी जब ज्योत्सना हठ योग प्रदीपिका कमेंट्री जो स्वामी ब्रह्मानंदा ने लिखी वो अर्ली 19th सेंचुरी में कह सकते हैं, तब तक हठ योग के ग्रंथ निर्माण हो ही रहे थे। और ऐसा कहते कि बहुत सारे ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स है कि जहाँ हठ योग पद्धति का अभी भी वो पूरी तरह से लोगों के सामने नहीं आई है। तो ये जो बहुत सारे ग्रंथ है उसमें हमें बहुत सारी उपलब्धि है कि कैसे हठ योग प्रचलित में आया या कैसे हमें हमारे जीवन में उसको अपनाना चाहिए। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे कि हठ योग जो है साधक को जरूरी क्या है, सबसे जरूरी क्या है कि शरीर, प्राण, मन और चेतना, इन सब के बीच में एक कनेक्शन है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ना कि सिर्फ आसन एक मुख्य अंग है और बाकी उसके लिए हठ योग में कोई भी चीज मेजर नहीं है।
तो ऐसा नहीं है, अगर हठ योग अगर हम करना शुरू कर देते तो हमें शरीर प्राण मन और चेतना, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं कॉन्शियसनेस, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो इन सब में कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, तभी वो हठयोगी जो है वो साधक के रूप में कहा जा सकता है उसको। और फिर अगर देखेंगे और कि मन से उसका ताल्लुक है कि नहीं, जैसे हम कहते कि आधुनिक मानस शास्त्र या जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसको अगर हम देखेंगे तो वो मन को जो डील करती है या मन के साथ उनका जो व्यवहार रहता है वो सामान्य तरह से कैसे रहता है कि अगर किसी को कुछ विकार आ गया, मनोविकार हम कहते हैं, वो उसके अगर मन में आ जाता है तो वो डायरेक्टली जो साइकोलॉजिस्ट है या साइकियाट्रिस्ट है वो डायरेक्टली आपको आपके मन को अशांत करने की कोशिश करते हैं या ट्रैंक्विलाइजर्स हो या ऐसे कुछ देते हैं। हठयोग यहाँ कहता है कि आप डायरेक्टली मन की तरफ जाओ ही मत। अगर आपको आपके मन को शांत करना है उसको पहले उसको शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है और उसमें हार्मोनाइजेशन लाना भी उतना ही जरूरी है। तो ये कहाँ करना है, लेकिन ये आपको शारीरिक स्तर पे करना है और मानसिक स्तर पे करना है। इन दो चीजों पे अगर आप शुद्धिकरण आपका हो जाता है यानी प्यूरिफिकेशन हो जाता है, उसमें अगर हार्मनी आ जाती है तो आपका जो मन है वो अपने आप शांत हो जाएगा। तो उसके लिए आपको मन की तरफ भागने की जरूरत नहीं है, पहले आप ये जो चीजें हैं जो शारीरिक स्तर पर हम कहते हैं या हमारा जो प्राणिक स्तर है, उसके बाद हमें सबको हमें अभी कोश मालूम है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो इन सब का शुद्धिकरण करके फिर हमें हमारे धीरे धीरे मन की तरफ भी बढ़ना चाहिए, तब मन अपने आप शांत हो जाएगा। और उसके बाद जब आता है कि जैसे रचना जो हम कहते हैं कि हठ योग की जो है वो किस प्रकार से की गई है, तो जो ग्रंथ में जो महत्वपूर्ण जो अंग है हठ योग, तो उसमें आ जाते हैं षटक्रिया आ जाती है, फिर उसके बाद आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा, बंध, समाधि या कह सकते हैं या उसको फिर हम नादानुसंधान, ऐसे जो रचना है उपदेशों की वो हठ योग जो ग्रंथ है उसमें की गई है। उसमें कुछ फेर बदलाव हो सकते हैं या कोई जो चैप्टर से वो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन षटक्रियाज अगर हम माने तो वो हठयोग का, हठयोग ग्रंथ की या हठयोग जो पद्धति है, साधना पद्धति, उसका यूएसपी है, वो उसका अलगपन है, उसका उसकी आइडेंटिटी भी है। तो षटक्रियाज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम षटक्रियाज के बारे में कैसे करना है तो पहले उसको समझना बहुत जरूरी है कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए है, ना कि हमें सिर्फ एक ही मतलब कुछ एक ही पद्धति को अपनाना है और बाकी सबको निग्लेक्ट करना है, ऐसा नहीं है। हमें षटक्रियाज भी करनी है, हमें आसन भी करने हैं, प्राणायाम भी करना है, मुद्रा बंधा, तो ये सब लेकिन अपनी अपनी जितनी क्षमता है उसके अनुसार हमें ये करना है और अपनी क्षमता के अनुसार इन सबको हमें धीरे धीरे बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि आप भी आपने कुछ देख लिया और हमने करना शुरू कर दिया, ये जरूरी नहीं है। पहले अपनी क्षमता हमें देखनी है, हमें खुद को पहचानना है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता, इन दोनों को ध्यान में रखने के बाद हमें ये तय करना है कि हमें शुरू कहाँ से करना है। और इन सब के लिए हमें पता है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन होना भी हमारे में बहुत जरूरी है। अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो हम ये कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर एक महीना वगैरह हम प्रैक्टिस करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे और बाद में छोड़ देंगे। तो इसलिए मैंने जो पहले बताया कि समझना और उस समझ के साथ उसको स्वीकार करना, ये बहुत जरूरी है। जैसे कि कोई मानो कर लिया, कोई लोग कर रहे हैं षटक्रियाज इसलिए मैं भी करता हूँ, या कोई किसी ने ज्वाइन कर लिया तो मैं भी कर रहा हूँ, इसका कोई उसको कुछ मायने नहीं रखता जब तक आपका एक्सपीरियंस उसके बारे में कुछ नहीं है। आपका अनुभव और अनुभूति, ये दोनों चीजें बहुत मायने रखती है। वो जब तक नहीं होता है तब तक हम इसके पास में या इसके साथ में हमारा जोड़ना, कनेक्टेडनेस जो है वो जोड़ना बहुत ही मुश्किल है। फिर हम आते हैं आसन की तरफ। अगर हम पहला उसका जो चैप्टर है या जिसको हठयोग में उपदेश कहते हैं तो वो आसन है। तो आसन में अगर हम देखेंगे तो हमें सबको पता है अभी आसन क्या है। सो मोर देन एक्चुअली कभी कभी योगा शिक्षक के से ज्यादा अभी आजकल स्टूडेंट्स को पता होता है, पार्टिसिपेंट्स को पता होता है कि क्या क्या आसन है। आजकल उसमें बहुत सारे वेरिएशंस भी आने लगे हैं, लेकिन ये करने से पहले आसन मतलब उसके दो अर्थ है। आसन मतलब हम जैसे अभी बैठे हैं उसको भी आसन कहते हैं, और आसन मतलब योगासन, लेकिन हम उसके साथ योग ये शब्द जोड़ते हैं।
क्योंकि उसको स्पेसिफिक उसका कुछ पर्पज है उसके पीछे एक उद्देश्य छुपा हुआ है। तो जब हम आसन करते हैं, आजकल आप देखेंगे योगा क्लास में, तो पहले जब आते हैं लोग तो पहले सवाल ये पूछते हैं, अच्छा आप सिखाते हैं तो लेकिन आप एक घंटे में कितने आसन सिखाते हैं और हम कब तक कर पाएंगे, ये उनका दूसरा सवाल रहता है। तो मैंने कहा ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना कर पाएंगे, लेकिन आजकल जल्दी बहुत लोगों को जल्दी होती है, जैसे सामने वाला जो या जो आइडियल पोज है वो उनको आना चाहिए, लेकिन अगर हमें 24 साल हो गए 25 साल हो गए शरीर को आदत ही नहीं है करने की, और अभी अभी हमें कुछ तो ऐसे शॉर्टकट्स दो कि हम कर पाएंगे, तो वो बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये एक तरह से योग शिक्षक की भी जिम्मेदारी है कि उनके जो डाउट्स है क्लियर करना, और जो विद्यार्थी जो पार्टिसिपेंट्स है वो जो क्लास में आते तो उनको भी समझ लेना चाहिए कि ये कोई इंस्टेंट चीज है नहीं, कि हमें भी बहुत समझदारी से और बहुत सजगता से इसका अभ्यास करना पड़ेगा। और आसन अगर हमें सब पता है क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन सबसे बड़ा जो दुर्लक्षित उसका भाग है जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाता भी है लेकिन फिर नाम के जो नाम है उनके उसकी तरफ सिर्फ सीमित रहता है, वो है उसका संस्कृत में ओरिजिनल नाम समझना। ये मैं बहुत बार मैंने ये क्लासेस में महसूस किया है कि एक तो संस्कृत नाम कोई बताते भी नहीं है आजकल, एक तो अंग्रेजी नाम बताने का एक ट्रेंड आ गया उसमें, तो जो संस्कृत नाम का लेकिन जो अर्थ है उसके पीछे, तो अगर आप संस्कृत में पहले उसको समझा देंगे और बाद में अगर हम अंग्रेजी में दोनों ही विद्यार्थी और शिक्षक ये दोनों समझ लगेंगे तो उसका जो भाव है आसन करने का वो पूरा बदल जाएगा। जैसे अगर योग शिक्षक कहता है कि आप अभी डांसिंग पोज कर लो, डांसिंग पोज करते हैं, डांसिंग पोस्चर करते हैं, तो डांसिंग पोस्चर कहने से बहुत सारे जो वैरायटीज ऑफ डांस है वो हमारे सामने आ जाती है, तो पता नहीं चलता है कि हमें एग्जैक्टली कौन सा आसन ये करना है। लेकिन अगर हम उसके बजाय नटराजासन उनको पहले बताएंगे और फिर उसका डांसिंग पोज ये मतलब ये सुपरफिशियल उसका ट्रांसलेट कर देंगे तो उसका जो अर्थ है और उसके जो भाव है वो बदल जाएगा। नटराजासन कहने से उसके सामने वो प्रतिकृति आ जाएगी नटराज की, और हम सबको घर में पता रहता है कि नटराज आने क्या है, जो उत्पत्ति स्थिति लय है उसका जो प्रतीकात्मक रूप है या वो जिस पोजीशन में खड़े हैं, वो सब जो भाव है वो अपने आप अंदर आ जाते हैं। जरूरत नहीं है कि हम पहले ही दिन वो पोज जो है वो हम एकदम परफेक्ट कर लेंगे, धीरे धीरे हम करेंगे, पहले हमारा खुद का बैलेंस भी जाएगा। मैं ये जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे बहुत सारे आसन भी हमने देखे हैं, लेकिन जब हम नटराजासन कहते हैं तो वो जो एक्सपेंशन है उसका उसके पीछे का वो हमारे सामने आ जाता है। सो मेंटली समवेयर वी आर कनेक्टेड टू इट, तो मानसिक रूप से हम उस आसन से जुड़ जाते हैं। सेम वही बात हम वृक्षासन या ट्री पोज की वृक्षासन की भी कर सकते हैं, जैसे उसका ट्री पोज ये अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो गया उसका, लेकिन ट्री कहने से भी हमारे फिर बाद में हमें लिमिटेशंस आ जाते हैं कि हम उसको क्या कहेंगे, लेकिन अगर हम वृक्ष या वृक्षासन कहेंगे तो जरूर है कि हमारे सामने एक हरा भरा बड़ा पेड़ जिसकी जड़ें मजबूत है और वो पूरा पूरी तरह से फैला हुआ है, फला है, फूला है, उसका पूरी तरह से विकास हुआ है, ऐसा पेड़ हमारे सामने आ जाएगा। कभी भी अगर हम किसी को पूछेंगे वृक्षासन करते हैं तो, और आप उसे पूछेंगे कि वृक्ष कहने से आपके सामने क्या आ जाता है, वो कभी नहीं कहेगा कि एक पतझड़ वाला जो पेड़ है वो मेरे आंखों के सामने आ जाता है जिसमें कुछ पत्ते नहीं है, ऐसा कोई नहीं कहेगा, क्योंकि हमारे मन की जो है ना वो जो चेतना है या एनर्जी वो हमेशा अच्छी चीजों से या अच्छी वाइब्रेशन से हमेशा जुड़ी रहती है। तो ये नाम उनके कंसेप्ट समझना और समझ के उस आसन को करना और उसकी जो फाइनल पोजिशन है या जो हम कहते हैं अंतिम स्थिति है उसमें स्थिर रहना बहुत जरूरी है। तो एक ये आयाम हो गया आसन का, जो नाम जो सबसे जरूरी है, और फिर जो आसन है वो भी हमें मानसिक स्तर पर जो है वो कल्चर या कुछ तो वैल्यूज हमें हमेशा देते हैं, जिसका हम कल्चरिंग जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया इसका हम संवर्धन हमेशा कर सकते हैं। जैसे हमने हलासन कहा तो हलासन सबको मालूम है प्लो पोजिशन, उसका अगर अर्थ हो गया तो हलासन मतलब क्या, किसान क्या करता है हल लेके, जैसे वो जो जमीन है उसकी उपज करता है, पूरे जो खेती करने से पहले या बीज बोने से पहले वो खेत में हल चलाता है ताकि जो मिट्टी है उसमें कुछ तो बदलाव अगर कुछ हो या कुछ उसमें जो अनवांटेड चीजें है वो जो नहीं चाहिए, जब अगर वो कुछ अच्छी खेती करना चाहता है
तो वो सब उसको दूर करे और बाद में वो बीज बोए उसमें, और बाद में जो धान उसमें से आता है तो वो जो है वो तो उससे आनंद होता है उसको। सेम वे हम हलासन जब करते या हलासन में जाने की कोशिश करते हैं, वही भाव हमारे मन में होना चाहिए कि जब मैं हलासन में मेरे पैर जा रहे हैं पीछे, जब अगर जमीन पे टिकते हैं तो ठीक है, लेकिन जहां तक जा सकते हैं मैं मेरे पैर लेके जा रहा हूँ, और जो भी मेरे मन में और शरीर में जो भी उस वक्त जो भी कुछ हो रहा है उसको मैं अनुभव करने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे तब मेरे मन में अगर कुछ सकारात्मक बातें आती है तो ठीक है, अगर कुछ नकारात्मक आ रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि उस सबको मैं धीरे धीरे मेरे मन से निकाल दूं, और बाद में जो भी मेरा शारीरिक विकास है या मानसिक विकास है वो अच्छी तरह से हो जाए। तो ये संवर्धन होना, आसनों के द्वारा अपने शरीर का और अपने मन का संवर्धन होना, इमोशंस कल्चरिंग जो हम शब्द हमेशा सुनते वो होना भी बहुत जरूरी है। और आसन हमेशा हमें कोई ना कोई वैल्यूज भी देती है, जिसकी तरफ अनफॉर्चुनेटली किसी का ध्यान बहुत कम लोगों का गया, मैं ऐसा नहीं कहती किसी का नहीं गया, लेकिन इस एस्पेक्ट की तरह बहुत सा हमारा कभी भी ध्यान नहीं गया कि वो नाम को समझ के हम आसन करें, फिर उसके ऊपर जो जो भी आसन है उसके स्थिति में रह के उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें। अगर हम ये शुरू करेंगे तो जरूर है कि हमारे में जरूर कुछ ना कुछ तो बदलाव दिखने लगेगा। जैसे अभी हम कर रहे हैं, जैसे हमें फीडबैक भी जो मिल रहे हैं उससे भी पता चल रहा है कि बहुत सारे जो बदलाव है वो हमें जो पार्टिसिपेंट्स है अपने वो शेयर कर रहे हैं, जिससे हमें भी बहुत आनंद मिलता है कि चलो जो हो रहा है तो उससे उनको भी कुछ फायदा हो रहा है। तो ये सब समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद आसन में जो महत्वपूर्ण अंग है या आजकल बहुत बड़ा पॉपुलर जो सब्जेक्ट है वो है मिताहार, जो डाइट हम कहते हैं, और यम नियम तो हठ योग प्रदीपिका में भी आए हैं। तो यम जो है वो मिताहार है, नियम अहिंसा है। तो मिताहार, अभी अहिंसा के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी हमने अहिंसा को सुना था, उसके पहले पतंजलि योग सूत्रा में भी हमने अहिंसा के बारे में सुना था। तो मिताहार तो सबको मालूम है, जब हम योग में जाते हैं या योग अभ्यास करना शुरू कर देते हैं तो हमारा जो आहार है वो हमेशा मॉडरेट रहना चाहिए, मॉडरेट डाइट। जो आप खा रहे हैं, आप चाहे वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें हमेशा मॉडरेशन रहना चाहिए। ज्यादा भी खाना नहीं है और कम भी खाना नहीं है। जब आप योग में है और हठ योग में तो बताते हैं कि आपको फास्टिंग भी नहीं करना है, उपवास भी उसमें ग्राह्य नहीं है। तो आपका जो आहार है वो हमेशा मॉडरेट फूड होना चाहिए। ताजा जो बना हुआ घर में पका हुआ जो खाना है वो आपको खाना है, ताकि जो एनर्जी है अपने शरीर की और मन की वो हमेशा एक इक्विलिब्रियम में रहना बहुत जरूरी है। तो ये मिताहार जो है वो सबसे अच्छा या श्रेष्ठ माना गया है हठ योग के अनुसार, क्योंकि बाद में अगर आप धीरे धीरे जैसे आगे जाएंगे, प्राणायाम की तरफ जाएंगे, बंध मुद्रा ये सब करेंगे, तो उसके लिए आपका जो इंटरनल जो सिस्टम है उसको प्यूरिफिकेशन भी होना उतना जरूरी है, और उसको बैलेंस रहना, और उसके जो काम है या फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस है उसके वो होने भी वो स्मूथली होना और हार्मोनियसली होना वो भी बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आसन में हमें ये सब चीजें देखने को मिलती है। फिर हम आते हैं कि आसन जब करते हैं, जैसे हमने बहुत बार अभी सुना है कि स्थिर सुख आसन के ऊपर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने, जैसे पतंजलि योग सूत्र में आता है कि आसन स्थिर सुख आसन है, ये पहले उसका आसन का एक कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है, जिसे हम पैरामीटर के तौर पे भी हम हमारे योगा अभ्यास में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो जो शरीर है, शरीर को स्थिर रखना जब हम आसन करते हैं, तो जब हम आसन में बैठ जाते हैं ऑटोमेटिकली हमारा जो अपना शरीर है वो स्थिर हो जाता है, क्योंकि अब अभ्यास से वो हमें धीरे धीरे उसको प्राप्त करना है। और मन है वो सुख यानी रिलैक्स भी हो जाता है। अगर आपका मन अगर किसी आसन में रिलैक्स नहीं है, उसमें अगर आपको बहुत सारे डिस्टॉर्शंस आ रहे, कुछ ना कुछ आप में अप डाउन उसमें हो रहे, ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो आसन नहीं है, क्योंकि मन का शांत रहना भी उतना ही आवश्यक है जब हम आसन करते हैं। और भावना या जिसको हम मेडिटेशन के रूप में भी ले सकते हैं, अगर आप स्थिर सुख हो गया तो ऑटोमेटिकली जो हमारी भावना है वो भी शांत रूप में, और उसके बाद जो वो आसन है वो सही रूप से योगासन हो सकता है।
जैसे अगर हम किसी को पूछेंगे तो वो कहते कि मेरा सबसे जो मुझे जो आसन अच्छा लगता है वो शवासन है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि शवासन एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है, बहुत वो करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको एक अवस्था में आप जब सोते हैं या जब आपकी पीठ पूरी तरह से लेटी हुई है, नॉट ओनली योर बॉडी, आपका सिर्फ शरीर ही नहीं, आपको मन, अपने मन को भी शांत रखना उस वक्त बहुत जरूरी है। मन के साथ साथ आपका जो पूरा ध्यान है आपकी सांस की तरफ भी जाता है, आप किस प्रकार से सांस लेते हैं, किस प्रकार से सांस छोड़ते हैं, ये चीजें भी उसमें उतनी ही मायने रखती है। आपके मन में जो है कोई विचार आने नहीं चाहिए, मतलब अगर आपका शरीर आप देख रहे हैं आउटर जो आपका जो पोस्चर है वो स्थिर है, आप फील नहीं रहे, लेकिन मन के अंदर बहुत सारी उथल पुथल हो रही है, तो वो हम शवासन में नहीं है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब हम आते हैं शुद्धि क्रिया या षट क्रिया की तरफ, ये हो गया आसन, आसनों के बारे में हम जानते हैं। आसन क्या करते हैं कि जो भी हमारी इंटर सिस्टम है उसको पहले स्टिमुलेशन का काम करते हैं, क्योंकि अगर हम शुद्धि क्रिया की तरफ जाएंगे तो शायद हम वो कर नहीं पाएंगे, उसमें बहुत सारी अड़चने भी आ सकती है अगर हम नेति और ऐसे कुछ है, लेकिन अगर धोती बस्ती ऐसे हम करने जाएंगे हमें उससे कुछ पता नहीं चलेगा कि हम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए हमारे शरीर में एक लचीलापन होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी अगर हम आज फिर देखेंगे तो शुद्धि क्रिया के बारे में भी आप एड में पर आपको मिलेंगे कि वेट लॉस, अगर आप शुद्धि क्रिया करेंगे तो वेट लॉस आपका हो जाएगा। तो वेट लॉस इज जस्ट एक उसका एप्लीकेशन आप कह सकते हैं या उसका ऑटोमेटिक आने वाला एक असर है, लेकिन सबसे बहुत जरूरी है शुद्धि क्रिया का जो असर है या जो उसका फायदा है वो हमारे स्पिरिचुअल जो ये है या आध्यात्मिक स्तर बढ़ाने के लिए भी शुद्धि क्रिया बहुत काम करती है। तब हमारे जो अंदर जो सिस्टम्स है, एंडोक्राइन सिस्टम है या बहुत सारे जो सिस्टम है उनका हार्मोनाइजेशन करने के लिए शुद्धि क्रिया का महत्व बहुत बड़ा है, और सिर्फ वेट लॉस या सिर्फ ऐसा कुछ करना इतने तक ये शुद्धि क्रिया का जो पर्पज है वो सीमित नहीं रहता। नेति जो है, जैसे नेति हम आपने बहुत बार देखा है, और लास्ट ईयर पिछले साल नेति जो जो जिसके ऊपर डॉक्टर धनंजय केड़कर जो दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल जो कोविड हॉस्पिटल था उसके जो डीन है उनका वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि वहाँ के जो डॉक्टर थे वो सब कोविड पेशेंट्स के लिए काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जो भी जो डॉक्टर थे आई थिंक अराउंड 600 साफ उन्होंने कुछ ऐसे कहा था, तो वो नेति का रोज अभ्यास करते थे ताकि उनको खुद को वो कोविड के जो सिम्टम्स है वो उनमें ना आए। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और बाद में ये बहुत बड़ा पॉपुलर उनका जो वीडियो बहुत वायरल भी हो गया था। तो हम देखेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी नेति का उपयोग है, या साइनस या ये भी सब चीजें उसमें से जाती है, लेकिन साइकिक सेंटर जो हम कहते हैं या थर्ड आई चक्रा बिटवीन द आईब्रोज उसको भी एक्सपांड करने के लिए, उसको भी डेवलप करने के लिए नेति का उपयोग होता है। बाद में बहुत सारे जो ऐसी क्रिया है जैसे धोती बस्ती है, नवती है और कपालभाति। अभी हम कपालभाति का अभ्यास हमारा जो योग प्रोटोकॉल है उसमें कर रहे हैं, बाकी तीन तो बहुत सारे बहुत एडवांस है, तो उस पर जैसे हमारा अभ्यास होगा तो वैसे बढ़ता जाएगा। लेकिन जो हम कपालभाति भी करते हैं, कपालभाति का भी वही उपयोग है कि आपके शरीर में जो इंटरनल प्यूरिफिकेशन या आंतरिक शुद्धिकरण जो है वो होना बहुत जरूरी है। तो वो होने के बाद अगर हम प्राणायाम वगैरह करते हैं तो उसका असर हमारे पर जो है वो ज्यादा होगा। और फिर त्राटक जो बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, अगर हम कभी समय मिला तो आप देखेंगे या यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारी ये मिलेंगे कि त्राटक जो है वो फिर से हमें मन को शांत करने के लिए उसका बहुत उपयोग है। कि सिर्फ आंखों का नंबर कम करना या चश्मा अगर मुझे लगा है और मुझे नहीं चाहिए तो इसलिए मैं सिर्फ त्राटक का अभ्यास कर रहा हूँ, तो वो उसका मेन पर्पस नहीं है। त्राटक जो है जो प्यूरिफिकेशन भी है और मन को शांत करना वो सबसे बड़ा और सबसे इफेक्टिव अगर कौन सा अगर अभ्यास आप करेंगे तो वो त्राटक का है। जैसे पतंजलि योग सूत्र में भी जो बहुत सारे सूत्र है चित्त प्रसादन या मतलब हम मन को शांत कैसे कर सकते हैं, तो उसमें विशोका व ज्योतिषमती ऐसा एक सूत्र आता है कि आप ज्योति पे ध्यान दें, तो अगर ज्योति पे अगर हम ध्यान देंगे तो धीरे धीरे हमारा जो मन का जो मन में जो विचार आ रहे हैं या मन में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ भी बाधाएं आ रहे हैं वो धीरे धीरे खत्म होंगी।
सिर्फ पतंजलि योग सूत्र में ना उसका टेक्निक दिया है, ना कोई बाह्य जो उपकरण है उसका उपयोग करना है कुछ दिया है। बट हम त्राटक अगर हम करें हठ योग के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हमें त्राटक कैसे करना है उसके बहुत सारी गतिविधियां हमें हठ योग में मिलती है। और एक बात मुझे पहले ये करनी थी कि अगर हम अभी हठ योग देख रहे हैं, शुद्धि क्रिया का हमने देख लिया, फिर आसन क्या है, ये दो अंग तो हमने हठ योग के देख लिए, तो ऐसा सवाल आएगा कि हठ योग का जो अगर हायर पर्पज है या जो हायर वैल्यू है तो वो क्या है या डेफिनेशन क्या है हठ योग का। तो अगर हम उसकी तरफ जाएंगे तो वो है प्राण अपान का संयोग या ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी उनका संयोग, ये हठ योगा के सामान्यतर डेफिनेशन माने जाते हैं। लेकिन अभी ईड़ा नाड़ी यानी क्या और पिंगला नाड़ी है ये आपने मुझे भी पूछ लिया तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन सिर्फ मुझे ये शब्द मालूम है कि जब ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली तो हठ योग हम कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने वो डेफिनेशन नहीं बताया क्योंकि हमने हमें उसका एप्लीकेशन जो है हठ योग का वो हमारे डे टू डे जिंदगी में या जो हमारे डे टू डे लाइफ है रोज के जीवन में हमें उसको कैसे अप्लाई करना है, इसलिए मैंने उसको उसके ऊपर ज्यादा यहाँ जोर नहीं दिया बताने के लिए। फिर आता है प्राणायाम। जैसे अभी हम प्राणायाम जैसे हमें प्रोटोकॉल में करना मैंडेटरी बताया गया है कि हमें करना ही है रोज, ये प्राणायाम जो है कपालभाति हो, सेक्शनल ब्रीदिंग हो, नाड़ी शुद्धि हो, ये हमें करना ही है। क्यों? क्योंकि जैसे कहते हैं हठ योग का जो एक हठ योग में एक चले वाते चले चित्तम, जैसे हमारा प्राण चलता है उस तरह से हमारा चित्त भी चलता है। तो अगर पहले हम प्राण को जो है या पहले प्राण को हम डिसिप्लिन में लाएंगे तो हमारा जो चित्त है वो भी अपने आपको पहले आपको चित्त की तरफ देखना है। तो पहले आप अपना प्राण जो है उसको संयमित कीजिए, उसको संचालित कीजिए। हठ योग का ये भी एक बहुत बड़ा अंग है प्राण के बारे में कि संचालन करना और फिर उसका संचारण करना। पहले उसका संचालन करो और फिर बाद में उसका संचारण जो है वो अपने आप अच्छे से होगा। और ये जब संचारण जो है अगर ये अच्छी हो गया, एक बार अपने शरीर में बहना शुरू हो गया, तो जो भी हमारे अंदर जो ब्लॉकेजेस है, अभी हमें अंदर क्या है हमें भी पता नहीं है, लेकिन जब हम ये सब करते हैं तो अपने आप जो भी हमारे अंदर में जो डिस्टर्बेंसेस है, जो भी बाधा है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जरूरी नहीं कि हमें सब कुछ पता होना ही चाहिए, इतनी हमारी साधना हम नहीं कह सकते कि हमारे अंदर क्या है वो हमें पता चल रहा है, लेकिन जो भी अगर कुछ डिस्टर्बेंसेस है या जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है हमारे अंदर वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और इसीलिए प्राण को जो है वो हमारे उपनिषद है या बाकी के जो ग्रंथ है उसमें ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहा गया है। ज्येष्ठ मतलब ओल्डेस्ट और श्रेष्ठ मतलब सीनियर, या ऐसे हम कह सकते हैं कि अगर वो नहीं है तो हम कुछ भी हमारा जो चलन वलन है वो ठीक से नहीं हो सकता। इसलिए नाड़ी शुद्धि प्राणायाम जो बताया गया है कि आप जो करेंगे तो हमारे जो सेल्स जो कहते हैं कि हमारे जो पेशियां है वो हर एक पेशी की तरफ वो जो प्राण है वो पहुंचता है। और ये ऐसा प्राणायाम, इसलिए इसको बैलेंसिंग प्राणायाम कहते हैं कि इसको हमें मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर जहां आपको लगता है एक्सेस प्राणा बह रहा है नाड़ी शुद्धि से वो एक्सेसिवनेस से वो भी कम होता है। अगर जहां लगता है कि नहीं यहाँ प्राण कम पड़ रहा है जहां हमें चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस का जो काम है वो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करता है। तो उसके लिए उसमें टेक्निक में कुछ फर्क नहीं है, उसके गतिविधि में कुछ फर्क नहीं है। आप करते जाएंगे, आपके शरीर की जो आवश्यकता है, अंदरूनी जो आवश्यकता है उसके अनुसार नाड़ी जो प्राणायाम है वो उस तरह से वो जहाँ भी जो कमी है उसको भरने का काम है वो प्राणायाम करता है। तो और दूसरा जो है कि शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर जो है, तो शारीरिक स्तर पर भावना जो स्मृति है और एक्चुअली मेरे वो गलत हो गया मेरे ख्याल से, और जो है कि भावना स्मृति इनको मानसिक स्तर पर हमें लेना चाहिए कि प्राण उसकी तरफ भी जाता है और इनका सबका चलन वलन करने का जो काम है वो प्राण ही करता है। तो मानसिक स्तर पर जो भावना और स्मृति है, जैसे भावना मतलब इमोशंस और स्मृति मतलब मेमोरी, तो हमेशा हमारे दिमाग में वो सब चलता रहता है और इनकी वजह से हम हमेशा एक तो पास्ट जो है हमारा उसमें चले जाते हैं या हम प्रेजेंट में चले जाते हैं। तो प्राणायाम क्या करता है, प्राणायाम हमेशा
हमें प्रेजेंट में रखता है। हम जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो वो प्रेजेंट में रखने का काम है। जो शुरू जो जो क्षण हमारे जीवन से जा रहा है या क्षण हम जो जी रहे उसको पूरी तरह से जीने का जो प्रोत्साहन है, जो मोटिवेशन है, वो हमें प्राणायाम से मिलता है। और उसका और एक शारीरिक स्तर पर हम अगर हम देखेंगे तो हमारे हमारे पूरा जो जीवन जीने का जो तरीका है, जो उसका डायमेंशन है, वो बदलने का भी काम प्राणायाम करता है। और हमारे जीवन में गतिशीलता भी लाता है और रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ाता है। जो मोबिलिटी और इम्यूनिटी जो अभी हम जो कर रहे हैं, जो हमारा फोकस पॉइंट है, वो गतिविधि देने के लिए या उसको डिसिप्लिन में लाने के लिए प्राणायाम सबसे बड़ा काम करता है। और उसके बाद मुद्रास और बंधास जो है कि जो कॉन्सेंट्रेशन या एकाग्र चित्त जो है वो एकाग्र करने के लिए मदद करते हैं, और जो चेतना का विकास और विस्तार भी करते हैं। धीरे धीरे हमारे चेतना का विकास होते जाता है। कॉन्शियसनेस हम सब में है, ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है। सिर्फ ऐसा रहता है कि उसका हमें एक्नॉलेज नहीं रहता है, या हम उसको कभी बढ़ाने के सोचते भी नहीं है, या हमें या वो बहुत सारा सुप्तावस्था जैसे हम कहते हैं उसमें रहता है। जैसे हम ये चीजें करते जाएंगे वो जो नेचुरली जो हम में डेवलप होना शुरू होता है, और ये नेचुरली उसका हम में डेवलपमेंट होना नैसर्गिक रूप से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो नैसर्गिक रूप से हम में डेवलप नहीं होता है तो हमारे जो विकास है जीवन का वो एक तरह से रुक जाएगा। और बाद में हम कहते हैं कि अगर आसन करो या प्राणायाम करो, कुछ भी करो, वो एक सैचुरेशन पॉइंट जैसे आ जाता है, या जिंदगी में लगता है वही है, कुछ नहीं, कुछ नया नहीं हो रहा है जिंदगी में, कुछ एक्साइटेड जैसे आजकल वे शब्द है कि कुछ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है, आपके अगर आपको नयापन चाहिए, जैसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं, या फिर एक्सप्रेशन, उसका एक्सप्रेशन होना, उसकी अनुभूति भी होना और साथ साथ उसको व्यक्त भी करना, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जगह जैसे कहते हैं कि मनुष्य ये समाज प्राणी है, तो उसको समाज में रहना अच्छा लगता है, उसको समाज के साथ कुछ ना कुछ शेयर करना अच्छा लगता है। और अगर हम क्रिएटिव वे से और कंस्ट्रक्टिव वे से अगर हम ये शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली पूरा जो समाज है या सोसाइटी है वो भी एक तरह से एक सुस्थिति में आ जाएगी। और जैसे हम कहते हैं कि घर है या वो हर एक ब्रिक अगर स्ट्रांग हो, और पाया जो बेस है घर का अगर वो स्ट्रांग हो तभी घर अच्छा या मजबूत बन सकता है। वैसे ही अगर हर व्यक्ति उसको अपनाएंगे तो धीरे धीरे अपनी मजबूती से पूरा जो हम सोसाइटी है वो सोसाइटी भी एक मेंटल और इमोशनल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो अगर ये करना है तो इन चीजों का हमारे जीवन में दैनंदिन उसका एप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद ये सब हो जाने के बाद अगर हम उसका और एक जो अंग है हठ योग का, जिसे हम नादानुसंधान कहते हैं, समाधि तो बहुत हमारी पता नहीं समाधि कहने से हम कितना समझ पाएंगे, तो नादानुसंधान जो शब्द है हमारे लिए सबसे नजदीक है। तो जैसे हम कहते हैं कि न्यास, ये जो तंत्र से शब्द आया हुआ है इसमें, तो न्यास यानी क्या कि हमारे शरीर में प्रत्येक शरीर के जो अंग है उसमें हर एक जो वर्णाक्षर है, या जैसे हम अक्षर कहते हैं अ आ ई, ये कोई ना कोई जो अक्षर है वो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग से जुड़ा हुआ है। और अगर हम उसका ऐसे उच्चारण करते जाएंगे तो अगर कुछ हमें यहाँ वहां कुछ अगर हमें तकलीफ हो रही है तो वो भी तकलीफ हम अगर उसका उच्चारण करेंगे तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जैसे ठ शब्द है मेरे ख्याल से राइट शोल्डर पे, अगर आप हाथ रखेंगे, अगर आपको राइट शोल्डर में कुछ तकलीफ है तो अगर आप हाथ राइट शोल्डर पे रख के अगर आप ठ सिर्फ इसका उच्चार करेंगे तो धीरे धीरे जो भी वेदना आपको वहां हो रही है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। क्योंकि हर एक अक्षर का, जैसे न्यास में बताया, तंत्र में बताया कि हर एक अक्षर का वर्ण है, उसका अपना शेप है। जैसे अभी हमें पता है ठ ठ ड, जो जिनको देवनागरी लिपि पता है, तो हर एक अक्षर का उसका अपना स्वरूप है, उसका डायग्राम, उसकी सिमेट्री है, और साथ ही साथ में उसका हर एक अक्षर का एक कलर है। वो सब एक्चुअली सूक्ष्म स्तर की बातें हैं, लेकिन हम अगर अपने इस पे लेना चाहेंगे या एप्लीकेशन करना चाहेंगे तो हर एक अक्षर का कोई ना कोई हमारे शरीर में और मन में उसका प्रभाव रहता ही है। तो इसलिए जब हम अक्षर भी, या हम इसलिए हम कहते कि बोलते समय थोड़ा सजग रह के बोलो क्या बोल रहे हो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी तरह से अगर हम अपने योगाभ्यास से जो हम अभी 60 दिन हो जाएंगे हमारे पूरे उसमें कर रहे हैं,
तो बीच बीच में हमें आकार का उच्चार करने के लिए भी कहा गया है, उकार का भी, मकार का भी, ओंकार का भी. इट इज नॉट जस्ट टू फिल अप द गैप, गैप फिल करने के लिए उसका महत्व ये नहीं है, उसका पर्पज वो नहीं है. आप जब कुछ टेक्निक्स करते हो, कुछ अभ्यास करते हो, उसके बाद अगर आप इनका उच्चारण करेंगे अकार उकार मकार सेपरेटली, तो नेचुरली उसके जो इंटेंसिटी है, वो जो हम जब इसका अभ्यास करते हैं आसन का, तो वो इंटेंसिटी को बूस्टअप करने का काम जो है ये सब अकार उकार मकार या ऐसी बहुत सारे जो अक्षर है, जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा. तो इन सबको बूस्टअप करने का जो काम है वो ये सब अक्षर करते हैं, जिसे तंत्र में न्यास भी कहा गया है. और उससे ही एक्चुअली योग निद्रा या शवासन हम जो कहते हैं वो इससे ही उत्पन्न हुआ है. कि योग निद्रा भी कई काम करता है, अगर आप में से लोगों ने किसी ने अभ्यास किया है, कि पूरे शरीर से जो चेतना है या प्रवाधारा प्रवाह और एक शब्द है, कि वो जो है वो बहने लगता है उसमें से. और जब वो बिना साया या मतलब बिना किसी कुछ डिस्टर्बेंस से, बिना किसी इससे बहता है, किसी ब्लॉकेज के बिना शरीर में बहने लगता है, तो वो जो हमारी महसूस करने की ताकत है या उसका एक्सपीरियंस करने की ताकत है वो बहुत बढ़ जाती है. और शवासन भी हम जो करते हैं लास्ट में, तो उसका भी वही है. जैसे शवासन जो है वो ब्रिज है, जैसे आसन और मेडिटेशन के बीच का जो ब्रिज है वो है शवासन. क्योंकि उस समय हम आसन में भी हैं और हम धीरे धीरे मेडिटेशन की तरफ भी जा रहे हैं. शवासन वो काम बहुत अच्छे से करता है. और उसमें हम जब संकल्प लेते हैं कि पूरी तरह से हम सजग है, ऐसा नहीं कि हम सोए हुए हैं, जब हम अपने मन को कुछ उस टाइम सूचना उस समय सूचना करते हैं, या हम संकल्प सूचना भी नहीं कह सकते, हम संकल्प लेते हैं, क्योंकि वो संकल्प जो रहता है वो दृढ़ रहता है, उसमें कुछ कंफ्यूजन या कुछ मेंटल हमारा ब्लॉक्स नहीं रहता है, क्योंकि वो सीधा सीधा एक सिंपल वाक्य रहता है, वो हमें बताना है उस समय. और वही संकल्प भी वही काम करता है कि हमें प्रेजेंट में या हमारे हमारा जो शुरू क्षण है उसमें रखने का जो काम है ये संकल्प करता है. और संकल्प का काम इतना बहुत बड़ा है कि बहुत सारे जो जैसे हम कहते हैं इलनेसेस है, जैसे डिसीजेस है, डायबिटीज है, इवन कैंसर, बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स में भी इसकी जानने को मिलता है कि वो जो सिवियरिटी है या जो उनका जो ये होते हैं केमोथेरेपी वगैरह होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो थोड़ी जो उनकी वेदना है या पेन है उसको कम करने का काम भी ये संकल्प बहुत इफेक्टिवली ये संकल्प काम करता है. तो इस तरह से एक्चुअली आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंधा, षटक्रिया, ये सब इसके मुख्य अंग है. और हमारे सामान्य जीवन में कैसे लाना है, और बहुत सिंपल तरीके से, जरूरत नहीं है कि हमें कुछ बहुत ही कुछ अलग समय निकाल के उसको करना है, या मतलब कुछ ऐसे कुछ डिफिकल्ट हो जो हमें समझ में नहीं आ रहा है ऐसे कुछ करना है, ऐसा कुछ हठ योग में बताया नहीं गया है. जो सिंपल आपको समझ में आता है, आपको जितना डाइजेस्ट है, जैसे हम कहते हैं कि खाना उतना खाओ जितना तुम डाइजेस्ट कर पाते हो, उसी तरह से है योग मार्ग है कि जितना हमें समझ में आता है, जिस तरह से हम करना चाहते, जिसे और जो मेरी प्रकृति की प्रकृति मतलब जो मेरा नेचर है, जो मेरा स्वधर्म है, जिसको जो मुझे सूट होता है, मुझे अच्छा लगता है, जिससे मेरा शांत हो, मेरा मन शांत हो, वो मैं करने का प्रयास करूंगा. यही एक्चुअली हठयोग देखा जाए तो हठयोग का उद्देश्य वही है. क्योंकि अगर आप सारे ग्रंथ देखेंगे तो वो 11th सेंचुरी, जैसे मैंने पहले बताया 19th सेंचुरी, तो पता चलता है कि मानवी जो आयु जीवन था वो बदलने लगा था धीरे धीरे. और उसकी जो उस समय की जो आवश्यकता थी या नीड ऑफ द टाइम हम कह सकते, वो ध्यान में रखते हुए ही ये सब में फिर से एक फेर रचना हो गई. अगेन वो सब स्ट्रक्चर्ड हो गए, जो तंत्र ये है या पतंजलि योग सूत्र है, इतना तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे जो अभी जो कलयुग जो हम कह सकते या मॉडर्न ईरा जो है, जहाँ लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन थोड़े ही समय में हम इफेक्टिवली ये सब जो योग क्रिया है या जो भी आसन है वो हम इफेक्टिवली कैसे कर पाएंगे, ये सब बताने का जो ये है वो पूरा हमारे जो ये योगी है उन्होंने वो काम किया है. फिर हम जब आते हैं अपने प्रोटोकॉल की तरफ आते हैं या देखते हैं उसको,
कि हठ योग में थेरेप्यूटिक एस्पेक्ट्स और प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स भी बहुत सारे बताए गए हैं, क्योंकि जो भी हमारा अभी अब अगर हम प्रोटोकॉल की तरफ देखेंगे और बहुत सारे अगर रिजल्ट्स है तो मुझे खासतौर पे कहा गया था कि ये आप ऐड करो इसमें कि जैसे हाई बीपी जिनको था एक क्लाइंट उनको उनका पार्टिसिपेंट उन्होंने एम्लोकाइन उनकी जो टैबलेट थी उनका पहले योग करने से पहले उनका जो डोज था वो था 5 mg और अभी करने के बाद रिसेंटली एक महीने इसी महीने 2.5 mg उनका वो जो डोज है वो डॉक्टर ने कम कर दिया। जरूरी यह है कि डॉक्टर से ही वो प्रिस्क्रिप्शन आना चाहिए कि उनका डोज कम हुआ है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे जो है जैसे डायबिटीज मेलिटस जैसे हमें पता है कि उसमें सिम्टम्स जो है कि पैर दुखते हैं या बहुत भूख लगती है उसमें उस कुछ नहीं कर सकता वो व्यक्ति उस टाइम, लेकिन खाने की इतनी इच्छा होती है और फिर उसका जो परिणाम है वो हमारे डाइजेशन के ऊपर हो जाता है। तो अगर वो जो जो इम्बैलेंस हो रहा है या इंसुलिन सिक्रेशन भी है अगर वो ठीक तरह से नहीं हो रहा है तो हमें आसन अपनाने चाहिए जैसे वक्रासन है डाइजेशन ठीक होने के लिए या कॉन्स्टिपेशन निकाल के लिए, पवन मुक्तासन करना चाहिए जैसे कि वो जो जो है पैंक्रियास हो या फिर हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन हो वो स्टिमुलेट हो जाए और वहां से जो उस व्यक्ति को जिसकी जरूरत है जिस हार्मोन की जरूरत है वो वहां से सिक्रेट होना शुरू कर दे। ये सब ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो ये पूरा हठ योग है वो थेरेप्यूटिक एस्पेक्ट भी आता है प्रिवेंटिव भी आता है। अगर उसमें कुछ और भी उसको कुछ तकलीफ है जैसे अगर हम पार्किंसंस का अगर हम एग्जांपल ले ले तो अभी वो डिटेक्ट हो गया और धीरे धीरे ऐसे हो धीरे धीरे बॉडी जो है वो डेटीरियोरेट होना शुरू हो जाती है। हम सिर्फ इसमें एक ही काम कर सकते हैं कि उस ग्रोथ को या जो डेटीरियोरेशन है उसको अरेस्ट कर सकते हैं जितना हो सकता है उतना, कि उसको सूक्ष्म व्यायाम देके या और कुछ देके हम देखेंगे कि उसका जो जो क्षय हो रहा है शरीर का वो ज्यादा ना हो, जितना योग करेंगे उससे वो उसके बॉडी को थोड़ा आराम मिले प्राण को आराम मिले। और ऐसे बहुत सारे हमारे जो है बाकी के भी जो बहुत सारे जो हम इलनेस कह सकते हैं या डिसीज कह सकते हैं जिसको हम साइकोसोमेटिक भी कहते हैं जो मानसिक स्तर उसका जो उगम है उसको भी हम कैसे ठीक कर पाएंगे ये सब चीजें हम हठ योगा से भी बहुत कुछ ले सकते हैं। तो ये था मेरा और इसलिए जो मैंने पहले जो शब्द इस्तेमाल किया था विनियोग की उपयोग उसका होना चाहिए तभी वो योग कहलाएगा हमारे जीवन में, अदरवाइज वो एक सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज या फिर एक बुकिश हो जाएगा कि हाँ किताब में है तो ठीक है हमारे लिए उसका कुछ महत्व नहीं है, बट हाँ लेकिन उसका जो महत्व है ये योग का हमारे समाज में कैसे रहना है और हमारा खुद का जीवन कैसे सुखी करे हार्मोनाइज करे ताकि हमारे साथ भी और भी जो लोग रह रहे उनको भी वो सुख और आनंद मिले ये सब हमारे ऊपर है। जैसे हम कहते हैं कि वेदांत का मैसेज अल्टीमेटली क्या है कि कंसर्न फॉर अदर्स हम जो कहते हैं कि हमेशा दूसरों के बारे में भी सोचो, सेम वे हठ योग भी यही कहता है कि दूसरों के बारे में भी सोचो पहले, लेकिन उसके उसको सोचने के लिए पहले अपने बारे में भी सोचो उसमें कुछ स्वार्थ नहीं है, पहले अपने आप को तुम ठीक करो बाद में ये जो पहले अपनी सर्विसिंग करो जैसे हम कार की या हमारा जो व्हीकल है उसकी पहले करते हैं उसमें ऑयल वगैरह डालते हैं ताकि वो अच्छे से चले और हमें अच्छे से उपयोग हो। तो सेम अप्लाइज टू आवर बॉडी ऑल्सो कि पहले हमारा शरीर भी उस तरह से काम करना चाहिए फिर मन भी काम करना चाहिए तो हम भी स्वस्थ रहेंगे और बाकी लोगों को भी स्वस्थ रहने के लिए मदद करेंगे। तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ रुकती हूँ 7:53 हो गए तो अगर किसी को कुछ सवाल है तो आप पूछ लीजिए। बहुत 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 धन्यवाद रश्मि जी। हठ योग का सांस्कृतिक विनियोग कल्चरल एप्रोप्रिएशन ऑफ हठ योग जिस सरल भाषा में आपने हम सबों के समक्ष रखा लगभग काफी लोग कुछ समझे हैं लेकिन कुछ प्रश्न भी आए हैं वह प्रश्न मैं चैट बॉक्स में भी था और मेरे मन में भी उपजा। ये पहला प्रश्न है कौन पद्धति संक्षिप्त में बताएं कौन पद्धति क्या है। ये बहुत बड़ा एक्चुअली इसमें मैंने कहा जैसे मैंने न्यास के बारे में बताया बहुत बड़ा विषय है एक्चुअली कोहल पद्धति जिसमें पूजा विधि भी आते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअली यहाँ अभी डिस्कस करना मुमकिन नहीं है। तो लेकिन जो है कि जैसे
शिव शक्ति एस्पेक्ट भी आ जाता है उसमें, और उसके अनुसार शिव की आराधना करना या शक्ति की आराधना करना। और उसमें ऐसा नहीं कि सब कुछ उन्होंने रिवील किया है, कुछ जो साधना है वो गुरु परंपरा से आती है और कुछ उन्होंने गुप्त कर रखा है कि सिर्फ गुरु जिनको लगता है एलिजिबल शिष्य है उनको ही वो सब बताते हैं, अदरवाइज वो आता नहीं है हम तक। लेकिन वो उसमें बहुत सारे फिर चक्र का भी ध्यान, जैसे इसमें लिया नहीं मैंने, वो चक्र जो है हमारे आधार जिसको कहते हैं सप्त चक्रों के ऊपर ध्यान करना, फिर जो नाड़ी जो सूक्ष्म जो सटल लेवल पे नाड़ी जो काम करके इड़ा पिंगला ऐसी जो 10 नाड़ियां है, गांधारी हस्तजीवा कुशा आलम्बुषा, तो उन सबका संचालन करना, ये सब का जो संकलन है वो सब कवल पद्धति में आ जाता है। ओके धन्यवाद। दूसरा प्रश्न है, क्योंकि हमारे यहाँ सब वरिष्ठ नागरिक है, योग जीवन जीने की पद्धति है, यह सब बार बार हम लोग कहते हैं, उसको स्वीकारने का सरल तरीका आप हमारे वरिष्ठ नागरिकों को कुछ बताएं, समय का अभाव है, उस समय को मद्देनजर रखते हुए। जी जैसे मैंने बताया कि पद्धति जब हम कहते हैं तो वही है कि समझकर हमें आसन प्राणायाम करना चाहिए, जरूरी नहीं कि एक जो आसन एक व्यक्ति कर रहा है वो दूसरे को भी लागू होगा, तो पहले हमें भी खुद को समझना होगा कि हम क्या कर पाएंगे खुद के लिए, तो उस अनुसार अगर हम उसको अपनाएंगे। और जरूरी नहीं कि योगा मैट पे ही हम सिर्फ योग करते और बाद में एक घंटा योग कर लिया और बाद में उसको छोड़ दिया, और तो जो वो जो एक घंटा या एक 45 मिनट्स हम योगा मैट पे जो भी बिता रहे हैं तो उसका यूटिलाइजेशन हमारे या जो एक्सप्रेशन है उसका वो हमारे बाकी के जो दिन बाकी का जो दिन है उसके ऊपर कैसा पड़ता है उसके ऊपर हमारी योग साधना निर्भर करती है। अगर बाकी दिन अगर बाकी के जो घंटे अगर उस टाइम अपना इरिटेशन बढ़ता है या अपना और भी कुछ मतलब अगर एग्जैक्ट अपोजिट अगर हम बिहेव करते हैं तो दैट इज नॉट योगा वे ऑफ लाइफ। चाहे आप 2 आसन कम करो एक प्राणायाम कम करो लेकिन वो आपके एक्सप्रेशन में वो दिखना चाहिए, आपके एटीट्यूड। एक्चुअली आजकल बहुत गलत तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं बट एटीट्यूड और बिलीफ इसमें भी दिखना जरूरी है। लाइफ स्टाइल मतलब ये नहीं कि आप सुबह 4 बजे उठो और योगा करना शुरू करो, दैट इज नॉट लाइफ स्टाइल। किसी कोई 8 बजे भी उठ सकता है क्योंकि आजकल तो हर एक के रूटीन पे डिपेंड करता है कि कौन कब सोता है कौन कब उठता है, तो सुबह जल्दी उठना हाँ अच्छी बात है उठना चाहिए लेकिन आपका फिर काम कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो जैसे मैंने कहा कि रिफाइनमेंट ऑफ इमोशंस जो है वो होना बहुत जरूरी है कि कहीं हम ज्यादा इसेंट्रिक तो नहीं हो रहे या हम जब खुद को एक्सप्रेस करते हैं व्यक्त करते हैं तो हमें वो मॉडरेशन हमेशा ध्यान में रखना चाहिए एंड दैट इज अ वे ऑफ लाइफ एक्चुअली। अति उत्तम, बहुत ही अच्छा। एक और प्रश्न है, प्लीज लिसन। विशोका और ज्योतिषमती त्राटक क्रिया हम लोग सब करते हैं, ज्योतिषमती तो हम लोग समझे, ज्योति पर ध्यान केंद्रित करना, विशोका उसको 1-2 लाइन में अगर बता सके तो हम लोग समझ पाएंगे त्राटक क्रिया। हाँ नहीं, विशोका व ज्योतिषमती ये पतंजलि योग सूत्र में आता है, हठ योग में नहीं आता है। तो जो पतंजलि योग सूत्र के ऊपर व्यास मुनि ने जो भाष्य लिखा, व्यास भाष्य जो पतंजलि योग सूत्र के बहुत नजदीक है अराउंड 4th century, तो उसमें उन्होंने कहा कि विशोक मतलब क्या है जिसको सॉरी उसमें उन्होंने चित्त परिकर्म शब्द का इस्तेमाल किया। ओरिजिनल जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें चित्त परिकर्म जैसे शब्द आपको नहीं दिखाई सुनाई देंगे, लेकिन चित्त परिकर्म मतलब क्या है कि चित्त का शुद्धिकरण करना, हठ योग हो या राजयोग हो आपका चित्त का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। तो जो बहुत सारे जैसे पतंजलि योग सूत्र में आते कि व्याधि स्थान संशय आलस्य प्रमाद अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व, ये सब जो चित्त विक्षेप है डिस्टर्बेंस आते हैं योगाभ्यास में, तो अगर उसको आपको कम करना है तो आप बहुत सारे जो अलग और अलग टेक्निक्स है जो उन्होंने पतंजलि योग सूत्र में बताए गए हैं उसमें से एक सूत्र है विशोका व ज्योतिषमती या ईश्वर प्रणिधानात्मा, ऐसे बहुत सारे सूत्र आते हैं कि आप ईश्वर का ध्यान करो, तो वो अलग सूत्र है। अभी विशोक जो है यानी कोई शोक के बिना, आपको कोई शोक नहीं होना चाहिए, विशोक ओके ओके बिना शोक के, विशोक का मतलब बिना शोक, तो बहुत ही बढ़िया, समय अपनी गति से बढ़ रहा है।
श्रोतागण अगर कोई एक प्रश्न पूछना चाहे, क्योंकि फिर आगे बढ़ना है, एक कोई प्रश्न श्रोतागण अगर पूछना चाहे प्लीज, टाइम इज रनिंग अवे, समय अपनी तेज गति से बढ़ रही है। ओके, शायद श्रोता लोग ये प्रश्न सुन के उत्तर सुन के संतुष्ट हो चुके हैं। अब आगे आगे प्रश्नोत्तर काल खत्म हो चुका है। धन्यवाद प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मालविका विश्वास महोदया को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। ओवर टू मालविका विश्वास महोदया, प्लीज। मैं ऑडिबल हूँ, मैं ऑडिबल हूँ। यस 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 यस। ओके, मोबाइल को इफ यू कीप फ्रंट ऑफ फेस इट इज बेटर। पार्डन, यू कीप द मोबाइल इन फ्रंट ऑफ योर फेस देन इट इज रियली नाइस। आई थिंक यू कैप्ट इट लो लाइक दिस। ओके, I am visible, I mean that much is fine. Okay. गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर उपस्थित महानुभव और योग प्रेमिकाओं को मेरा प्रणाम। मुझे इस विशेष दिन पर आभार प्रदर्शन करने का अवसर देने के लिए मैं विवेकानंद केंद्र के सारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं इस अवसर को अपना सम्मान समझती हूँ और प्रमुख वक्ता श्रीमती रश्मि वडवे जी और योग विद्या निकेतन के प्रतिनिधिगण, जो हमारे योग विद्या निकेतन के शिक्षक गण है, जो विवेकानंद केंद्र में प्रतिनिधि स्वरूप है, उनको भी मैं आभार मतलब धन्यवाद देना चाहती हूँ। अभी मैं आती हूँ जो आज का जो शुरुआत जिन्होंने किया कि मंगलाचरण का पाठ करके अपर्णा जी ने वातावरण में एक सकारात्मक वाइब्स पैदा किए। दीप वर्मा जी, हमारे प्रमुख वक्ता श्री रश्मि जी का परिचय बहुत ही सुंदर कुशलता रूप में दिए और सूत्रधार के रूप में हमारे शर्मा जी, ओके, राम निरंजन शर्मा जी बहुत ही अच्छी तरह से प्रश्नोत्तर का जो सिलसिला है उनको मैनेज किए, उनके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। अभी आते हैं हमारे जो प्रमुख वक्ता जिन्होंने आज के सेशन का नाम है और एक बार देख लेती हूँ, हठ योग का सांस्कृतिक विनियोग जो उन्होंने बहुत ही सुंदर से क्लियरली उन्होंने बताया। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए विनियोग का मतलब क्या होता है। विनियोग का मतलब होता है एप्लीकेशन, जो उन्होंने बताए। और हम लोग योग बहुत दिन से हम लोग योग करते हुए आ रहे हैं, सारे योग प्रेमियों और सब कोई, वी आर रियली वेरी मच एंथुसियास्टिक अबाउट योगा कल्चर। बट उन्होंने जो आज बताया उनका एक नक्शे में मैं देना चाहती हूँ, जो कि मैं इंग्लिश में बोलूंगी। योग इज अ साइंस ऑफ प्रैक्टिस, योग इज अ साइंस ऑफ एक्सपीरियंस, एंड योग इज अ साइंस ऑफ कॉन्सेप्ट। अगर हम योग को ठीक तरह से प्रैक्टिस नहीं कर पाए, जिनको बोले विनियोग में ये सारी बातें आते हैं, अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर योग के थियोरिटिकल नॉलेज इज नॉट एट ऑल एनफ। इट कैन मीन कहना चाहिए और फिर ही आस्ते आस्ते कॉन्शियस लेवल, हम लोग के जितने कॉन्शियसनेस के जो लेवल्स है ना, तो उस लेवल के ऊपर हम धीरे धीरे उठना शुरू करेंगे। जब हमारा वो जो मैम ने जो अभी बताए, रश्मि जी ने बताया, चित्त शुद्धि होना बहुत जरूरी है। तो चित्त शुद्धि अगर हम न करें तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसीलिए हठ योग का बहुत ही बड़ा योगदान है हमारे चित्त शुद्ध करने के लिए। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः एंड अथ योगानुशासनम,
योग इज अ डिसिप्लिन। तो ये सारी चीजें उन्होंने इतने सुंदर से बताए हैं, बहुत ही अच्छा लगा सुनने में। लेकिन हमें आशा है कि हम सब, आप सब इनको अपने जीवन में दैनंदिन हम अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। यही बात कहते हुए, हम सबको धन्यवाद देते हुए मैं धन्यवाद प्रस्तावना अंत करती हूँ। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से दीदी ने बताया, रश्मि दीदी ने, एक घंटे में पूरा मतलब हठ योग सबके ने सबको समझा के बताया कि व्हाट इज हठ योग, हाउ इट इज टू बी अप्लाइड। बहुत बहुत थैंक यू शर्मा जी। सुनाई दे रहा है शर्मा जी? ऑडियो इज ऑफ। ओके, धन्यवाद धन्यवाद महोदया मालवीय का विश्वास मैडम, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसको जो है ना धन्यवाद प्रस्ताव दिया। सच में विनियोग का मतलब है अपने अंदर उतारना। नौ वेश धारणम सिद्धे कारणम न चत्त कथा क्रिया कारणम सिद्धे सत्य में तन्न सशय। जब तक हम करेंगे नहीं ये विनियोग होगा नहीं। हट प्रदीपिका में क्लियर लिखा हुआ है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए समय घड़ी बता रहा हो चुका है, अब हम शांति मंत्र की तरफ पाठन पाठ के चल बढ़ेंगे। बहन अपर्णा के से सविनय निवेदन है, कृपया शांति मंत्र का उच्चारण करके कार्यक्रम को समापन की ओर ले चले। अपर्णा, बहन अपर्णा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया बहन अपर्णा, बहुत सुंदर आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम को सुने समझे और उसको अपने जीवन पद्धति में उतारने का प्रयास करेंगे। विनियोग का सही मायने में वही अर्थ होगा और हमारी रश्मि दीदी का प्रयास कुछ हद तक सफल होगा। मैं इसी शब्द के साथ अपनी बात को ही विराम देता हूं और ओवर टू भी है मतलब विवेकानंद केंद्र के और लोग, या धीरे धीरे हम लोग शांति बनाए के साथ धीरे धीरे अपने यहाँ से निकल सकते हैं या किसी मतलब। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद एंड शुभ रात्रि। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, शुक्रिया। गुड नाइट। Good night.